आप बहुत थक गए होंगे ना? अगर आप चाहो तो मैं चली जाती हूँ, मैं नोट्स निकाल लूंगी और मैं किन्नौन से बात करूंगी और आपसे कल बात करूंगी। सनम मैं नहीं आ रहा। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ कि मैं नोट्स ले लेती हूँ, मैं एजेंसी में चली जाती हूँ। मैं अभी एजेंसी में जा रही हूँ और नोट्स निकाल कर आपसे कल बात करूंगी। सनम मैं कल भी नहीं आऊंगा। क्यों? मैंने पोलैंड का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, मैं जा रहा हूं। हाँ आप जा रहे हैं? हाँ सनम। क्या आप श्योर हैं? हाँ सनम मैं डिसाइड कर चुका हूं, मैं जाऊंगा कल ही। ओके अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो ठीक है, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं और आपको खोने की डर की वजह से मैंने गलतियां की, फिर भी मैं ट्राई करती रही। आई ट्राइड हार्ड फॉर यू। मुझे पता था कि सब बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, पर फिर भी मैं पागलों की तरह कोशिश करती रही और आपने गिव अप कर दिया जान। आप बस भाग रहे हो जान, आपकी प्रॉब्लम से, मुझसे, आपकी मॉम से, आप सब कुछ छोड़कर बस भाग रहे हो। आपकी माँ आपको बचपन में छोड़कर गई, इसलिए आप उनसे नाराज हो, लेकिन आप भी तो उनके जैसे ही हो, आप सब कुछ छोड़कर भाग रहे हो। ठीक है आपने जाने का डिसाइड किया है ना, तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। गुड बाय। तो वो जा रहे हैं, ऐसा कहा उन्होंने? उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ? हाँ मुझे ये पहले से ही पता था कि वो पोलैंड का बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, वो मजाक कर रहे होंगे, उन्होंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए किया होगा ये सब। लैला मैं पहले ही तुम्हें सब बता चुकी हूँ, मुझे उनकी आंखों में सब दिखाई दिया। वो अब और स्ट्रगल नहीं करना चाहते, उन्हें गिव अप करना है और अब मैं भी थक चुकी हूँ। आखिर मैं उसके पीछे कब तक भागूंगी जो मुझे प्यार तक नहीं करता, चाहे मैं करूं या ना करूं। सनम शायद वो अभी खुद की फीलिंग्स एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, शायद उनका माइंड अभी भी कंफ्यूज्ड है, उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, समझ रही हो ना? मुझे लगता है मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती, इसलिए रिजाइन कर दूंगी। सनम नहीं ऐसा मत कहो, जल्दबाजी मत करो, काम जाओ और फिर से इस बारे में सोचो एक बार। लैला उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए वो यहाँ से जा रहे हैं और अब मैं भला यहाँ क्यों रुकूं? अगर मैं रुक गई तो मुझे उनकी याद आएगी। सनम ये तुम्हारे करियर की शुरुआत है और तुम यहाँ प्रोग्रेस कर रही हो जो बहुत से लोग नहीं कर पाते, तुम्हारा यहाँ बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा, हम सब तुमसे प्यार करते हैं, प्लीज रुक जाओ। मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊंगी और यहाँ तो बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। तुम अभी लिख रही हो? ये पेन भी काम नहीं कर रहा। फिर ये जरूर कोई साइन है सनम, तुम इसे बाद में लिखना। लैला तुम मुझे अपना पेन दोगी? नहीं सनम यहाँ पर पेन नहीं है। पेपर भी नहीं है और पेन भी नहीं है। ठीक है मैं कहीं और ढूंढ लूंगी। सनम जिद मत करो प्लीज, रुक जाओ। ओके अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो ठीक है, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। आपको खोने की डर की वजह से मैंने कई गलतियां की है, पर फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया। आई ट्राइड हार्ड फॉर यू, पर आप सबसे भाग रहे हैं जान, आप सबसे भाग रहे हैं।
अपनी मॉम से, मुझसे, अपनी प्रॉब्लम से सबसे भाग रहे हैं आप। आपकी मॉम आपको बचपन में छोड़ के गई, इसलिए आप उनसे नाराज हो ना। लेकिन आप भी तो उनके जैसे ही हो, और आप जाने के लिए बेताब हो ना। ठीक है, जाइए, मैं नहीं रुकूंगी। क्या कर रहे हो तुम? सनीम को ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सनीम को मेरे प्रेम भाव से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। गुलीस, क्यों, वो क्या लिख रही है? एक मिनट रुको, मैं पेन को रीड कर रहा हूँ और देख रहा हूँ वो क्या लिख रही है। को रीड, ये कैसे मुमकिन है, जैसे लिप रीडिंग। गुलीस, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, ओके? अगर वो लिखती है तो जाहिर है वो तुम्हें इजीली समझ में आएगा, पर मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर पाएगी। आ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सनीम एक अच्छी राइटर है, मुझे नहीं पता वो क्या लिख रही है, पर मुझे यकीन है जो भी होगा बेस्ट होगा। नहीं, नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। क्या है फिर, तुम बता क्यों नहीं रहे हो? मुझे क्यूरियस हो रही हूँ मैं, बताओ ना मुझे क्या है। वो रेजिग्नेशन लेटर लिख रही है। क्या, सनीम रिजाइन कर रही है? मिस्टर जान क्या कहेंगे, ये कैसे हो सकता है? मिस्टर जान बॉल्कन्स जा रहे हैं, इसलिए वो इस्तीफा दे रही है। वो जा रहे हैं? तुम्हें कैसे पता वो जा रहे हैं? तुमने ही तो कहा। क्या मैंने सनीम के इस्तीफा के बारे में भी कहा? हाँ जी जी, अभी कहा तुमने। मर गया मैं तो। मैं बहुत ज्यादा बोल देता हूँ, पर तुम तो सबको सब कुछ बता देती हो, और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो जी जी, बहुत अच्छी। अब मुझे पता चल गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अभी आती हूँ, ठीक है? मैं चलती हूँ। पुलिस की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव है, ये सब कुछ उसकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रहा है। मुझे खुद को संभालना होगा, पहले खुद को साफ कर लेता हूँ। हो गया। उसने पेपर को मोड़ दिया, जादू काम कर रही है। हेलो, पोलन डियर, मेरे पास एक गुड न्यूज है। जान ने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, उसने सनीम के साथ ब्रेकअप कर लिया है। अब सनीम जल्दी ही इस्तीफा दे देगी। ओके ओके, सी यू देन। सनीम, तुम ये क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो, मुझे दो। नहीं, वो मेरे पास रहने दो, हम बात करते हैं। विल यू प्लीज। सनीम, तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हो, कंट्रोल करो। क्या कर रहे हो, उसे मुझे दो। नहीं सनीम, बंद करो, समझे? तो ऐसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे ऐसा मत करो। मुझे दो उसे। तुम क्या कर रही हो, और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? वो ये मेरी रेजिग्नेशन नोटिस है। मिस्टर जान यहाँ नहीं है, इसीलिए ये अब मैं आपको प्रेजेंट कर रही। नहीं, मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी सनम, ये बकवास है। इतना काम करने के बाद तुम कैसे जाना चाहती हो यहाँ से? कुछ प्राइवेट रीजंस हैं। और क्या है वो? मिस्टर जान और मिस पोलिन बॉल्कन्स जा रहे हैं, उन्होंने बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। मिस डेरिन, क्या मिस्टर जान जा रहे हैं? मिस डेरिन, जान कैसे जा सकते हैं? प्लेन से जा रहे होंगे। अरे वो कहाँ जा रहे हैं, एजेंसी में कितना सारा काम बाकी है, जान कैसे जा सकते हैं? ओके, जाने दो, वो मिस्टर जान देवित हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। शायद वो थक गए होंगे, बोर हो गए होंगे, पर तुम एक्चुअली मिस डेरिन, उसका कहना है कि अगर वो यहाँ रहेगी तो उसे हर जगह मिस्टर जान नजर आएंगे, और ये एजेंसी उसे हमेशा उनकी याद दिलाती रहेगी, जो उसके लिए काफी इमोशनल होगा। ब्रावो जेजे, तुम तो काफी फ्रीली बात कर रहे हो, मुझे भी कुछ कहने दोगे प्लीज? हाँ, मैं ओपनली कह रहा हूँ सनीम, नो सीक्रेट्स, मैं कुछ नहीं छिपा सकता। ओके, अब तुम्हारे सीक्रेट संभालते संभालते मैं थक चुका हूँ, बस हो गया ये सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट, बस हो गया। ओके, मैं समझती हूँ, तुम्हारा दिल टूट गया होगा, ये इतना इजी नहीं है। हाँ, इसलिए मैं ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती सनम, मैं साइन नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता, तुम एमरे के पास जाओ, अगर वो साइन करते हैं तो ठीक है, पर मैं नहीं कर सकती, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। जाओ जाओ सनम, जाओ, सब कुछ ठीक होगा। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। मिस्टर एमरे, क्या आप फ्री हैं? ऑफ कोर्स सनीम, क्या हुआ बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हम यूनाइट नहीं हो। ठीक है, मगर क्यों? मिस्टर एमरे, मुझे रिजाइन करना है, और ये है मेरा रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन? सनीम, ऐसा क्यों कर रही हो? मिस्टर एमरे, अब मैं थक गई हूँ,
जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने अपने आप को झूठ और फरेब से दूर रखने की कोशिश की, पर मैं कामयाब नहीं हो पाई। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं जानती हूँ कि यहाँ सब गिलती है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वो जान को बचाने के लिए किया था, और फिर उसमें मैं ही फंस गई। पर मैंने उनसे माफी मांगने की कोशिश की, पर नहीं, वो मुझे माफ नहीं करना चाहते। जान जा रहे हैं। क्या उसने पोलैंड का बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट किया? अब मेरे यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। और हाँ, आपने जो भी पैसे मुझे दिए थे वो मैं आपको धीरे धीरे करके लौटा दूंगी। सनम, ये सब की जरूरत नहीं है। मैं आपको वो वापस कर दूंगी मिस्टर। सनम, मैंने कह दिया ना, नहीं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर भी उन्हें वापस कर दूंगी मिस्टर एमरे। सनम, मेरी बात सुनो, इतना सडन डिसीजन मत लो। मैं अपने भाई को जानता हूँ, उसे बाद में रिग्रेट होगा और वो तुम्हें कॉल करेगा। अब सब खत्म हो चुका है, बेहतर होगा कि हम इस बात को यही खत्म कर देते हैं। Have a nice day. सनी, माय डियर, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, अपना सामान ले रही हूँ। से बात करता है, तुम्हें अच्छा लगेगा। सनम, कुलीस, अपना ख्याल रखना। ये यहाँ क्या चल रहा है? मिस सनम ने रिजाइन कर दिया है। ओह, क्यों? कुछ प्राइवेट रीजंस है इसीलिए। हाँ, अगर तुम प्राइवेट लाइफ और बिजनेस लाइफ मिक्स करते हो तो अक्सर इस्तीफा देने की नौबत आ जाती है। चलो कोई बात नहीं, विश यू लक माय डियर। थैंक यू, गुड लक। उसे रहने तो वो मैं लेकर आ जाऊंगी। आई लव यू ऑल। वी लव यू टू सनम, एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। हमें भूलना मत, हमें भूल मत जाना। गुड लक सनम, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें मिलने नहीं आ सकती। तुम्हें आना होगा, आओगी ना? या आई विल। तुम्हें आना होगा, हम तुमसे यूज्ड टू हैं सनम। मैं तो तुमसे बहुत यूज्ड टू हूँ। टेक केयर ऑल ऑफ यू। यू टू, यू टू, टेक अ गुड केयर। सी यू।
अब मुझे समझ आया कि प्रिंसेस रियल लाइफ में नहीं होती और सपने खत्म हो जाते हैं। सपने खत्म नहीं होते, वो टूट जाते हैं सनम। शायद, पर मैं आज भी सीक्रेटली सपने देखती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ जान, और आप भी मुझसे प्यार करते हैं। जान, अगर हम चाहे तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है सनम। हम शब्द का इस्तेमाल मत करो, ऐसी कोई चीज नहीं है। और अगर हमारे बीच कुछ स्पेशल होता तो ऐसा कभी नहीं होता, समझ में आ रही तुम्हें बात? हम आज इस सिचुएशन में नहीं होते। सनम मैं कल भी नहीं आऊंगा। क्यों? मैंने पोलन को ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, मैं जा रहा हूं। आपने गिव अप कर दिया जान, और आप भाग रहे हैं। अगर आपने मुझसे सच्चा प्यार किया होता ना, तो आप मुझे माफ कर देते। टैक्सी! क्या आप ठीक है? Oh no, उस लड़की को देखो, आप अचानक मेरे कार के सामने आ गई। क्या आप ठीक है? डोंट मूव, डोंट मूव। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप यही रहिए, मैं आपके लिए एम्बुलेंस। नहीं, नो नीड, नो नीड, मुझे बस सर पे लगा है, मैं घर चली जाऊंगी। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि थैंक यू सो मच। फोन नहीं लग रहा है, क्या कर रही हो? क्या आपको दर्द हो रहा है? क्या आप खड़ी हो पाएगी? लगता है फोन कच्ची। मुझे हेल्प कर दीजिए फ्रेंड्स, प्लीज हेल्प मी। फोन पर लग रहा है। धीरे धीरे धीरे, सुनो। नहीं, सच में मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, मुझे बस सर में चोट लगी है। नहीं नहीं, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। नहीं हुआ है, चोट बहुत ही लग चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। बैठिए, अंदर बैठिए। आप चले जाइए, मैं ठीक हूँ। बस आराम से। ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, मेरी गलती थी। हाँ बिल्कुल हो जाओगी, क्यों नहीं होगी। जानती हूँ, मैंने ही वो सबमिट किया था, उसमें मैंने सारी एक्स्ट्रा रिजल्ट्स एकदम ठीक है। मैं चलती हूँ, मैं देख लूंगी। डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर रखना होगा ऑब्जर्वेशन के लिए। थैंक यू, और सॉरी मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी वजह से हुआ है। आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकती है। आपकी कंप्लेंट? नहीं, गलती तो पूरी मेरी थी, मैं आपकी कंप्लेंट नहीं करूंगी। और अब आप जा सकते हैं, मेरे ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना, प्लीज। नहीं नहीं, पहले कंफर्म करना पड़ेगा। अब हम आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, और कुछ सवाल करने हैं तो बताइए। ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ। क्या आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है? नहीं, फैमिली को नहीं, वो टेंशन में आ जाएंगे। हम मेरी सिस्टर को कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं कॉल कर सकती। नहीं, मैं कॉल करती हूँ।
मेरा फोन मेरी बैग वो कार में, मैं अभी लेके आता हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप पेल हो चुकी हो, आपका ब्लड प्रेशर भी लो है। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर जल्द ही आपको देखने आएंगे, हम आपको रूम में लेकर चलते हैं। ऑलराइट। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो है पर वो रेस्ट कर रही है, डॉक्टर आते ही होंगे। आप मुझे ये बताइए कि वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, उन्हें जल्द रूम में लेकर जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन वो अपनी बहन को कॉल करना चाहती थी। आप चाहें तो उनका फोन मुझे दे दीजिए, आपकी तरफ से मैं उनसे बात कर लेती हूँ। ठीक है, ये यही कहीं होगा। ये लो। थैंक यू सो मच। उसने रिजाइन क्यों किया? क्यों 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 रिजाइन किया उसने? मैं नहीं लूंगी। तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए और फिर इंश्योरेंस देना चाहिए। सनम नहीं थी क्या? कौन सा इंश्योरेंस जेजे, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे वाह गुलिस, तुम्हें तो सब कुछ पता रहता है, किसने यहाँ कितना काम किया, इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी है। तो अब ये बताओ मैं कब रिटायर होने वाला हूँ, बताओ। मैं खुद रिजाइन करने वाली थी, फिर उसने मुझे समझाया, मैं समझ गई। अब देखो खुद ने रिजाइन कर दिया। जरा देखो तो, जैसी बड़ी बहन वैसी ही छोटी बहन। मुझे तो लगता है रिजाइन भी एक ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। सबसे पहले रिजाइन उसे करना चाहिए जिसने सबसे पहले काम करना शुरू किया हो, जैसे कि तुम। गुलिस खड़ी रहो, तुम यहाँ पहले काम कर रही हो, खड़ी हो जाओ और रिजाइन कर दो अभी के अभी। जाकर एक बढ़िया सा नोटिस लिखो और मुझसे जान को ले लो। जाओ। चुप रहो, मैं तुम्हारे बाद काम करने लगी हूँ, तुम रिजाइन करो। मेरे बाद? ए, तुम पहले थे, चलो इस्तीफा दे दो अभी, लिखो। तुम्हें एक फॉर्मल स्टाइल में लिखना है, ओके? रिजाइन करो अभी के अभी, रिजाइन करो। जे जे मेरी बात सुनो। जे जे क्या कर रहे हो? हेलो, अरे क्या क्या? हाँ कैसे? एक्सीडेंट कैसे, कब, कहाँ? सनीम का एक्सीडेंट हुआ है कैसे? आप क्या कह रहे हैं? ये सब क्या है? कैसे, क्या हुआ? सनीम का कार एक्सीडेंट हुआ है। क्या एक्सीडेंट लला, ये तुम क्या कह रही हो? सनीम हॉस्पिटल में है, उसका कार एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसके पास जा रही हूँ। हाँ ठीक है, चलो जल्दी करो, हम साथ में हॉस्पिटल चलते हैं। एमरे प्लीज मुझे जरूर इन्फॉर्म करना, मुझे यकीन नहीं होता हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, कोई तो बुरी नजर है। हाँ एमरे बोलो। प्लीज काम डाउन, देखो सनम का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट कैसे हुआ एमरे, बताओ जल्दी, वो ठीक तो है ना? मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लैला को अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था, उन्होंने अभी उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है। ठीक है, मैं भी वही जा रहा हूँ। कौन सा हॉस्पिटल? शरीफ, मैं कह रही हूँ ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, तुम्हें जरूर यूज करने चाहिए, और इससे ना अपने हाथ वॉश करना, ठीक है, बाथरूम में इस्तेमाल करना। आर्टिफिशियल तो बिल्कुल नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक चीजें हैं ये। अरे क्या बात करते हो, जैसे इसके साबुन ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज में बनते हैं, हमारे भी मशीन ने पैक किए हैं, किसी इंसान का हाथ भी नहीं लगाया उसमें, वो काफी प्रॉपर है, हेल्दी और साफ है। हाँ, यही तो खास बात है ना, हमारे प्रोडक्ट हैंडमेड है, किसी मशीन में नहीं बनते हैं, एक इंसान के हाथों से बनते हैं, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है ये, समझे तुम? वो हाथ किसे बताया कि साबुन बनाने से पहले उन्होंने अपने हाथ धोए भी थे कि नहीं? कितना गंदा है, मैं बस तुम्हें दो दिनों बाद देखूंगा, तुम लोगों के पास जब पैसे नहीं बचेंगे तब मुझसे आकर मत कहना मिस्टर न्याय, तब मैं क्या करूँ, मुझे पैसे दो। अरे बकवास करना बंद करो और जाओ अपनी दुकान पर बैठो, जहाँ तुम आर्टिफिशियल चीजें बेचते हो, हमारी तरह ऑर्गेनिक चीजें नहीं बेचते हो। आर्टिफिशियल नहीं, वो भी ऑर्गेनिक है पर अलग तरीके से पैक किए गए हैं, समझे ना? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। स्टॉप, आप लोग दोनों जानवरों की तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? देखो सारे मोहल्ले वाले यहीं पर देख रहे हैं, आप दोनों ने अपनी दुकान तो अलग कर ली है ना, अब क्या प्रॉब्लम है? अपनी फैमिली की इज्जत क्यों उछाल रहे हैं ऐसे, वो भी बीच रास्ते पर? आप अपना देखिए और हम लोग अपना देखते हैं, ठीक है? चलिए बहुत काम। अरे बेटा बस करो ना, ऑर्गेनिक। थैंक्स। क्या अब आप ठीक हैं? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, पर नर्स बता रही थी कि आपका ब्लड प्रेशर लो है। नहीं मैं सच में ठीक हूँ, थोड़ी छोटी सी खरोच आई है और कुछ नहीं, डॉक्टर आते ही होंगे, आप अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं,
अपना टाइम मत। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जब तक रिपोर्ट्स ठीक नहीं आती मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे काफी स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और प्लीज ये फॉर्मेलिटी की बात मत कीजिए, आप चाहे तो हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। आगे आपकी मर्जी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। आपको यहाँ से बाहर फिट एंड फाइन होकर जाना है, ठीक है? थैंक्स सनम। जॉन, जॉन तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ी खरोच आई है। और ये सब कैसे हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा सकती हूँ। लेकिन तुम सच में ठीक हो ना? मैं जानता हूँ कि तुम कभी कंप्लेंट नहीं करती, तो सच सच बताओ कैसी हो तुम, सब ठीक है ना? हाँ। एक्सरे ले लिए हैं, उन्होंने सब चेक कर लिया है, और कुछ बाकी तो नहीं है ना? बताओ अगर कुछ बाकी हो तो चेक करवा लेंगे। नहीं नहीं थैंक्स। ओके, डॉक्टर कहाँ है? तुम यहाँ अकेली क्यों हो? ये यहाँ अकेली नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। ओ तो आप यहाँ है? हाँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्या अब मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ। Let me explain. क्या आप ही डॉक्टर हैं? नहीं। तो फिर सब कुछ कंट्रोल में, ये आप कैसे कह सकते हैं? तुमने ऐसा क्यों कहा बताओ मुझे। Let me explain it. Let me explain. Yes, of course. वो डॉक्टर नहीं है। हाँ? वो कार ड्राइवर जिसने मुझे हिट किया ना, इन्होंने मुझे हिट किया, ये वही कार ड्राइवर है। Unfortunately, वो मेरा फॉल्ट है। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ वो मेरी कार थी। जिस कार से सनम का एक्सीडेंट हुआ वो मेरी है, ये सिचुएशन है। सबसे पहले तो बात ऐसी है कि ना, तुम उसे सनम नहीं बुला सकते, वो मिस सनम है तुम्हारे लिए। और तुम इतने कामली कैसे कह सकते हो कि तुमने ये एक्सीडेंट किया? क्या मैं भी तुम्हें मारूं? उसके बाद मैं भी कह दूंगा कि तुम काम रहो, क्या तुम रह पाओगे शांति से? तुम ही बताओ, क्या इतना आसान होता है ये सब? तो फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो बताओ, मुझे जानना है क्या रीजन क्या है ये सब का, बताओ मुझे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे डिस्क्राइब नहीं करूंगा। डिस्क्राइब कैसे करोगे? मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। सनम मेरे सामने आकर अनएक्सपेक्टेडली ऐसा जरूर ओवर स्पीड कर रहे हो। भरोसा कीजिए, 20 या 30 होगे नहीं, आई एम श्योर तुम ओवर स्पीड कर रहे थे, 50 या कुछ है ना? नहीं नहीं ज्यादा से ज्यादा 50। नहीं पर तुम कह रहे हो कि सब कुछ कंट्रोल में, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहां से भाई? जरा मुझे भी बताओ यार, अब भी तुम्हें गिल्टी फील नहीं हो रहा? अभी सब कुछ ठीक है, मेरी बात समझो। प्लीज प्लीज सुनिए, गलती मेरी थी, मुझे रास्ता क्रॉस करते वक्त यहाँ वहाँ देखना चाहिए था, और इगित ने मुझे देखा नहीं इसीलिए ऐसा हुआ है। पर वो मुझे यहाँ हॉस्पिटल में भी तो ले आए हैं। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना, तुम अपना हाथ मूव मत करना। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये जेंटलमैन तुमसे इतना फ्रेंडली क्यों बिहेव कर रहा है। आई मीन ये क्या कोई तुम्हें पहले से जानता है जो इतना रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल होकर बात कर रहा है? क्योंकि इस छोटे से समय में सबसे पहले एक्सीडेंट, फिर यहाँ से हॉस्पिटल में यहाँ पर रुकना, फिर मुझे रिपोर्ट लानी पड़ी, भाग दौड़ हुई, इनके लिए सामान लाना पड़ा, और इस चक्कर में समय चला गया पता ही नहीं चला। तुम्हें पता भी नहीं चला कि समय कैसे बीत गया, तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा है ना? क्या हुआ सनी? लैला तुम ठीक हो ना? तुम्हारा टाइमिंग बहुत अच्छा है। मैं ठीक हूँ, मुझे अब कोई दर्द नहीं हो रहा, बस मेरा माइंड। सनी तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, थैंक यू। अब ये कौन है? लेट मी इंट्रोड्यूस यू, जिसने सनम को अपनी कार से हिट किया, एमरे। एमरे ये वही आदमी है जिसने सनम को गिराया। यहाँ बहुत गर्मी हो गई है, मैं विंडो ओपन कर दूँ क्या? नहीं नहीं खोल दो। हाँ ठीक है मैं खोल। मुझे सिर पर मामूली चोट आई है। रास्ते में ट्रैफिक कैसा था, बिजी था? हेलो एमरे डियर। हाँ बोलिए मॉम। मुझे सनम की फिक्र हो रही थी, तुम भी जल्दबाजी में निकल गए, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें फोन करके पूछ लूं कि वो अब कैसी है। हाँ हाँ डोंट वरी, वो ठीक है, कुछ ज्यादा सीरियस बात नहीं। ऊपर वाले का शुक्र है, उसे मेरी तरफ से बेस्ट विशेस देना। ओके डियर। ठीक है ठीक है, आप बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो ठीक है। ऑलराइट गुड बाय। अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। और फिर हम हॉस्पिटल में आ गए, ऊपर वाले ने तुम्हें बचा लिया। मिस्टर यजित आप भी काफी पैनिक हुए होंगे। अच्छा हुआ कि कुछ गलत नहीं हुआ, सिर्फ एक मामूली एक्सीडेंट हुआ, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सनम, ठीक है वही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस से फोन आया था तुम्हारे लिए, मैंने कह दिया कि तुम बिल्कुल ठीक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर एमरे। अच्छा मिस्टर,
अब आप यहाँ से जा सकते हैं, बहुत हो गया। अब तुमने जो भी करना था वो कर लिया, इनफ ध्यान रख लिया ना, अब तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो, जाओ, कुछ काम नहीं है। मुझे लगता है कि मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। सही बात है, तुम नहीं कर पाए। सलीम, जब तक 100% ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। डॉक्टर को पहले आ जाने दो, फिर देखते हैं। तुम अपना कॉन्शियंस अपने पास रखो और कहीं और जाके। यहाँ इतने लोग अलाउड नहीं है, आप प्लीज बाहर जाइए सब लोग, प्लीज। ब्रावो, ब्रावो। वरना वो आपको इंजेक्शन देंगे। जल्दी डॉक्टर यहाँ आ जाएंगे, तो आप लोग बाहर जाइए प्लीज। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी लगे तो। सनीम, मैं भी बाहर वेट कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है, बाहर जाइए। मैं भी बाहर। पर अब तो सब चले गए ना, अब यहाँ भीड़ भी नहीं है, एक इंसान होगा तो क्या हो जाएगा, शायद मेरी जरूरत हो। बाहर जाइए। क्या मैं बाहर जाऊँ सनम? मैं बाहर ही खड़ा हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं जाकर सूप पी लेता हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम। हम लोगों ने ऑर्गेनिक सेक्टर में एकदम तूफान की तरह एंट्री मारी है और साथ ही साथ एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में भी तहलका मचा दिया है। मेरे पास एक से एक प्लान्स है आंटी, पर यहाँ एक चीज की प्रॉब्लम है और हमें वो सॉल्व करनी होगी जल्द से जल्द। कौन सी प्रॉब्लम बेटा? सब कुछ तो ठीक है, हमारे पास पोस्टर्स हैं, ब्रांड नेम है, गुड्स हैं, कैंपेन अनाउंस किए गए हैं, अब इसमें क्या बाकी है? हाँ, हमारे पास वो सब कुछ है, लेकिन हम उसे प्रमोट कैसे करेंगे? उसे प्रमोट करने के लिए हमें चाहिए एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी जो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करे और उसे प्रमोट करे। अगर एक सेलिब्रिटी यूज करेगा तो हमें बहुत फायदा होगा, लोग देखेंगे और हमारे प्रोडक्ट को अच्छा समझेंगे और लोग उसे खरीदेंगे, खरीदेंगे तो मुनाफा हमें ही होगा और हम माला माल हो जाएंगे आंटी। अब ये सेलिब्रिटी कहाँ से लेकर आए? सही कहा, पूरे मोहल्ले में ढूंढा, लेकिन यहाँ एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे मैं सेलिब्रिटी कह के बुला सकूं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर है जिसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। एक तो है हमारे मोहल्ले की महान प्रेसिडेंट और दूसरा हूँ मैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट। आपके लिए ना एक बिग सरप्राइज है। एक मिनट, पकड़िए इसे, खोलना मत। मुजफ्फर, ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा है। जो आपके हाथ में, वो भी देखिए। हाँ, देखती हूँ क्या है ये? मैंने खुद जाके प्रिंट करवाया है, बहुत ही A1 क्वालिटी की प्रिंटिंग है और ये पोज का आइडिया भी मेरा ही था। कैसा लगा आपको? बहुत ही अलग टाइप का पोज है ना ये। एक मिनट, मुजफ्फर, मुजफ्फर जिंदाबाद, मुजफ्फर जिंदाबाद। बात सुनिए, बस सुनिए, मेरे पास ये हर एक साइज में है। चलो इन्हें जाकर विंडोज पर हैंग करते हैं। लाइए वो दीजिए, मैं जाकर अपनी फोटो लगाता हूँ, आप जाकर अपनी फोटो लगाइए। शुरुआत यहाँ से करता हूँ। अब देखना मिस्टर निहात प्रोफेशनल क्या होता है, पता चल जाएगा। ये काम क्यों नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो इसे यहाँ क्यों रखा है? और इसके अलावा मैं ठीक हूँ, पर ये लोग मुझे जाने क्यों नहीं देते? वो लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ से 100% ठीक होकर जाओ, वो तुम्हें कैसे जाने देंगे अगर तुम श्योर नहीं हो? आई सी। ये सब कैसे हुआ बताओ मुझे, मुझे जानना है, बोलो। I resign। तुम पक्का रिजाइन कर रही हो अभी? अभी नहीं, आज एक्सीडेंट से पहले मैंने मिस्टर एमरे को रिजाइन लेटर दिया और फिर वहां से चली गई और मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और फिर यह हादसा हो गया। तुमने रिजाइन क्यों किया? लेकिन मैं वहां और नहीं रुक सकती सनम, मैं जा रहा हूं और तुम काफी सक्सेसफुल हो, अच्छी हो और तुम्हें तुम्हारा काम पसंद है। अपना करियर ऐसे ही छोड़ देना बकवास है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम रिजाइन कर रही हो क्योंकि हमारा रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चला, इसमें तुम कैसे एक्सप्लेन करोगी? मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, ठीक है? मुझे नहीं करनी जॉब, इसलिए मैंने छोड़ दी, मैं कुछ और कर लूंगी। और मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के एडवाइस की जरूरत नहीं। तुम रिजाइन नहीं करोगी? मैं दे चुकी हूँ। तुम इतनी आसानी से एजेंसी नहीं छोड़ सकती हो। अब सब खत्म हो चुका है, मेरा एजेंसी से कोई नाता नहीं। मैं तुम्हारा बॉस हुआ और तुम्हें एक नोटिस पीरियड देना है। नोटिस पीरियड? हाँ, नोटिस पीरियड। हाँ, पर वो नोटिस देने के बाद तुम 2 हफ्तों के लिए काम करोगी और उसके बाद ही तुम छोड़कर जा सकती हो। ऐसे ही कभी भी मन करे तुम नहीं जा सकती ना। डॉक्टर ने सारे रिपोर्ट एग्जामिन कर लिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है मिस सनीम। अगर आपको भी ठीक लग रहा है तो हम आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे देंगे। अरे वाह, अच्छा हुआ।
मैं वाकई ठीक हूँ, मुझे मैं कह रहा था कि ये बोर हो गई है। थोड़ी देर के लिए चुप रहो ना। डॉक्टर ये टीवी काम क्यों नहीं कर रहा? काश ये काम कर रहा होता, यू नो। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहा ना? हाँ मैं कार रेडी करता हूँ। हीटर चालू कर देना, बहुत ठंड है। मैं आपको आपके घर छोड़ता हूँ। अरे मेरे भाई तुझे समझ नहीं आती क्या सीधी बात? क्या चाहिए क्या तुझे? तू ऐसे क्या देख रहा है? देख नॉर्मली मैं बहुत काम इंसानों पर, तेरा ये अननेसेसरी पोलाइट बिहेवियर देख के ना मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। तो तुझे क्या चाहिए ना एक बार में बता, तेरा मकसद क्या है? तू आखिर यहाँ क्यों कब से मंडरा रहा है? मतलब क्या मकसद क्या है? तू कोई एंजल है क्या? हाँ बता क्यों? मैं सिर्फ अच्छे इंसान होने का फर्ज निभा रहा हूँ। हे भगवान, सच में सनम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तुम्हें मेरी वजह से पहले ही प्रॉब्लम हुई है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। सनम अब तुम क्या कहोगी बताओ? तुम्हें इनकन्वीनियंस तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, मैं जाकर कार लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, पर बस एक चीज का ध्यान रख, गाड़ी चलाते वक्त ना आंखें खुली रखा कर, कोई बेचारा कुत्ता बिल्ली ठुक जाएगा। सनम जान सकता हूँ तुम क्या कर रही हो? नहीं तुम क्या कर रही हो? अरे तुम बताओ ये यहाँ पर क्यों है और तुम उसकी कार में क्यों जा रही हो? हाँ तुम उसे जानती तक नहीं हो? मैं उसके साथ नहीं जा रही, मैं लैला के साथ जा रही हूँ और अपने घर जा रही हूँ। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ अब तो आपको मुझे ये बकवास है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। तुम उस आदमी के साथ क्यों जा रही हो मुझे वो बताओ तुम? वो आदमी फॉल्टी है, वो लोगों को कार से उड़ा देता है, वो आदमी तुम्हें अच्छा लग रहा है? क्या कर रहे हो यार, ये इंसान लोगों को कार से ठोक रहा है। यही रोक दो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, कम डियर, थैंक यू सो मच। सनम आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम हो वो आई थिंक सॉल्व हो गई हो। हाँ थैंक यू सो मच, सी यू। थैंक यू सो मच, आ जाओ सनम आराम से, तुम ठीक हो? हाँ। सनम मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, अगर तुम्हें कुछ होता है और शायद तुम्हें हॉस्पिटल वापस जाना पड़े तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी? सनम मुझे कैसे पता चलेगा? सनम ठीक है, थैंक यू, मैं आपको मेरा नंबर देती हूँ। हाँ 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 हाँ, लिखे ना। भाई चलो, बहुत हो गया, जीत गया। हमारा मोहल्ला काफी अच्छा है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसा फिल्मों में होता है वैसा ही है। हाँ हाँ मिलते हैं, मुझे फिक्र हो रही थी कि कोई हमें देख ना ले, बस इसीलिए। हाँ थैंक यू सो मच, अब हम चलते हैं फिर। हाँ, लेकिन मोहल्ले का असली चेहरा हम जानते हैं। नाइस डे, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, सी यू। चलो चलो, नहीं देखा किसी ने शायद। Have a nice day. Dad, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा अच्छा, ओके, मैं ठीक हूँ डैड, सब ठीक है। हाँ बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि आपने कॉल किया। मैं आपको कॉल करने ही वाला था, मुझे आपसे कुछ कहना है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ इम्पोर्टेंट है। बच्चों, मिस्टर निहात, खाने का वक्त हो गया है, जल्दी आ जाओ, कोई मेरी मदद भी कर दिया करो, सूप बोल ही रख दो, मैं इतना काम करती हूँ दिन भर, और मैं भी एक बिजी बिजनेस वुमेन बन गई हूँ, मैं भी इतना काम करती हूँ और मैं बिजी रहती हूँ, और क्या। बिजनेस? आखिर आपका बिजनेस क्या है? मिसेस बेविक के बे अपने पति के खिलाफ काम करना, उसकी राइवल बनकर है ये बिजनेस?
देखो हम एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी ना, मुझे तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना, हम दोनों की फील्ड्स अलग है बस, और क्या। मैं ऑर्गेनिक चीजों का बिजनेस करती हूँ। ये कोई अलग फील्ड नहीं है, ये अलग शॉप है, पूरी तरह से अलग शॉप है। तुम मुझे लड़कियों के सामने झगड़ा नहीं करना, चुप हो जाओ। आ जाओ। थैंक यू डैड, तुम आराम से बैठ जाओ सनी, मैं सूप सर्व कर देती हूँ। हाँ, काफी भूख लगी है मुझे। सनम तुम ठीक हो बेटा, कितनी पेल नजर आ रही हो, क्या बात? मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आई और सीधा एजेंसी गई थी काम करने। मिस्टर चान को अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से हैंडल करना आता है, वैसे किसी को उससे सीखना चाहिए कि बॉस कैसे बना चाहता है ना। हाँ मैं डाल देती हूँ। ओह नहीं, टू मच। निहात ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो ये पसंद नहीं ना? नहीं, मुझे बहुत पसंद है ये। देखो ये बहुत ही अनहेल्दी है, प्लीज ये सब मत खाओ प्लीज। मैं तुम्हारे लिए ना कुछ और लाती हूँ, रुको। अब हो गया शुरू। ऑर्गेनिक स्पाइसेस, एकदम नेचुरल, जो हमें खानी चाहिए। नहीं चाहिए। तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? ये चखो, ये है ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल, ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, है ना? नहीं चाहिए। नहीं डैड, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, थैंक यू। पर ये कितना टेस्टी है मेरी बच्ची। सूप चाहिए? नहीं नहीं डैड, आप ही खाइए, मुझे नहीं चाहिए ये सब। तुम्हें चाहिए? फिलहाल के लिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए डैड, आप ही खाइए। पर ये काफी टेस्टी है, देखो तो। बच्चों ये चखो ना, स्पाइसेस को चखो, बहुत अच्छी हैं। मुझे सिंपल टेस्ट बहुत अच्छी लगती है मॉम, बहुत हो गया है अब नहीं। लैला तुम्हें पसंद है ना ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल, काफी हेल्दी है। नहीं नहीं मॉम, थैंक यू सो मच, इतना बहुत है बस, हो गया। डैड डैड ऐसा मत कीजिए प्लीज, ये काफी टेस्टी है, तुम्हें थोड़ा चाहिए। आप इसे मस्टर्ड के साथ खाइए ना। नहीं नहीं, उसके साथ नहीं। अच्छा भाई, क्या तुमने डैड पर गुस्सा नहीं किया जब उन्होंने कन्फेस किया था तुमसे? मुझे बहुत गुस्सा आया, इतने सालों में मैं अपनी मॉम से नफरत करता है और अब मैं थक चुका हूँ ये सब चीजों से, मैं अब और गुस्सा नहीं कर पाऊंगा। मैं समझता हूँ, मैं भी नहीं चाहता कि हम डैड से नफरत करने लगे। तुम हमारे डैड से गुस्सा थे, उनकी एजेंसी में जो एटीट्यूड था और एक तरफ तुम्हारी मॉम। पर अब मैं दोनों को फॉरगिव कर चुका हूँ, तुम भी कर लो। आखिर कब तक हम इन बातों को लेकर बैठे रहेंगे? सनम ने कहा कि मैं भी अपनी मॉम जैसा ही हूँ, जैसे उन्होंने मुझे छोड़ दिया, वही चीज मैं उसके साथ कर रहा हूँ। क्या तुम वही कर रहे हो? मुझे नहीं पता, शायद ऐसा मत करो। अगर तुम इस बारे में श्योर नहीं हो तो मत जाओ। मैं किसी भी बात को लेकर श्योर नहीं हूँ, क्या राइट है क्या रॉन्ग है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऑनेस्टली। इतने सालों से मैंने मॉम के साथ गलत किया। सही है, मुझे खुशी है कि अब तुम उनके साथ झगड़ा नहीं करोगे। मैं भी तुम दोनों की लड़ाई से बहुत थक चुका हूँ। ओह, तुम ये जानते हो ना कि तुम तक 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 करके ऐसे चॉप करते हो। ओह, तुम बिना भाई। मुझे उसमें कैरेट्स नहीं डालने हैं। ठीक है तो फिर मैं खा लेता हूँ। हम मुझे सैलड बना सकते हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है जैसे तुमने अपना रास्ता खो दिया है, जैसे मंजिल को जाने वाले सारे रास्ते गायब हो गए हो। तुम बस अकेले हो और तुम्हें खुद को पता नहीं कि तुम कहाँ हो। फिर तुम्हें कहीं से कोई आवाज आती है या तुम्हें कोई इशारा मिलता है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल आ जाए और कोई रास्ता मिल जाए। ऐसा कुछ जो तुमने कभी सोचा नहीं हो, शायद तुम्हारी परेशानियां तुमसे कुछ कहना चाहती है।
शायद ये वक्त नहीं है कोई अल्टरनेटिव ढूंढने का, पर तुम्हें समझना होगा कि यही वक्त है कॉन्क्रीट डिसीजन लेने का। गुलीज, आओ आओ, कैसी हो तुम? थैंक यू मिसेस लेफ्केबे। यहाँ कैसे आना हुआ? आओ, कैसी मैं ठीक हूँ, बस सनीम से मिलने के लिए आई थी, वो ठीक है ना? ओ, तो तुम्हें पता चली गया। कभी कभी रिकवरी के लिए थोड़ा वक्त लगता है, पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसा होता रहता है लाइफ में, कुछ नहीं कर सकते। बात इतनी सीरियस है? उन्होंने तो कहा था एक छोटा सा एक्सीडेंट था, सिर्फ थोड़ी खरोच आई थी। सनीम कैसी है प्लीज बताइए। एक्सीडेंट? कौन सा एक्सीडेंट? कार एक्सीडेंट और क्या? सनीम का एक्सीडेंट हुआ। भागो, मैं भी कैमरा। आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो, सनीम घर पर नहीं है। वो तो घर में ही है। सनीम, सनीम, सनीम। मुझे सर पे एक मामूली चोट आई है और डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक हो जाएगी, इसलिए मैं आपको डराना नहीं चाहती थी। बस सनीम, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। आई एम सो सॉरी सनीम। नहीं गुलेज, कोई बात नहीं है। मैं बहुत थक गई थी और रोड क्रॉस कर रही थी, तभी गिर गई। क्या हुआ है? दिखाओ मुझे, कहाँ लगी है? दिखाओ। यहाँ। यहाँ पर लगी है? शोल्डर पर भी लगी है क्या? बताओ मुझे। नहीं नहीं, सब ठीक है। ओ, मेरी बेटी। डैड, तुम ठीक तो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ। ये कितने हैं? दो डैड। ये तुमने मेरा ऑर्गेनिक खाना नहीं खाया ना, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर वो खाती ना तो जिम्मेदार बनती, वो तुम्हें जिम्मेदार बनाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा। तुम इतने दिनों से किराने की दुकान से दूर रही हो, इतने दिनों के लिए तुमने वो बिस्किट्स और चॉकलेट्स नहीं खाए, इसलिए। सच में कुछ भी मत कहो, बेकार की बात। खाना खाना खाना, इसका क्या कनेक्शन है? क्या आप दोनों अब बस करेंगे? क्या आप दोनों अच्छे से बात करेंगे? क्यों ना अब हम एक अच्छी सी चाय बनाएं, है ना? हाँ, अगर मॉम बनाएगी तो, और डैड उसमें शक्कर डालेंगे तो। हाँ हाँ, चलते हैं, चाय पीते हैं। आपकी बेटी के नाम? सनीम, मुझे माफ करना, मैं नहीं जानती थी कि तुमने घर पर कुछ नहीं बताया। नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, ये लो। हाँ गुलिस, तुम सच में ऐसा क्यों सोच रही हो? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ब्रदर। क्या कर रहे हो तुम? अपने बाल बना रहे हो? जरा मुझे देखो, तुम्हारे बाल जो हैं ऐसे कोम करने से नहीं बढ़ेंगे, तुम्हें ये ऐसा करना चाहिए, समझ गए ना? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जा रहे हो? मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, जाओ जाओ। देखा ये कितना अच्छा है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। मेंशन नॉट। आयहान जी, जी तुम मुझसे कुछ पूछने वाले थे, हमने अपनी शॉप बंद कर दी है और तुम काफी लेट हो। मैं लेट हो गया हूँ तो क्या बात है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत ही जरूरी बात। पर उसके लिए तुम्हें मुझे कॉल करना होगा और मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तुम्हें पता है कि मैं एक लाइफ कोच हूँ और उसके मुताबिक हमारा रिलेशन काफी प्रोफेशनल है। मैं यहाँ एक बुचर हूँ, तुम्हें पता है हमारे यहाँ मीट मिलता है, मिंस्ड मीट, स्टेक्स, सब मिलता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दे सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखें तुम्हारे पास क्या है। हाँ मिस्टर जे जे, आपको क्या चाहिए? क्या कहा मिस्टर जे जे? ये सुनकर कितना अच्छा लगता है, मैं कुछ बता नहीं सकता, ऐसा लगता है जैसे कोई रोमांटिक लिरिक्स सुन रहा हूँ आयहान। नहीं, तुम मुझे ऐसी बातों में उलझा नहीं सकते, तुमसे गलती हो गई। आयहान, मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहता हूँ। अच्छा, क्यों नहीं, पर अब मैं एक बुचर हूँ, मैं तुम्हारे लिए मीट प्रिपेयर कर सकती हूँ, तो बताओ मुझे हार्ट कैसा रहेगा? क्या तुम्हें हार्ट चाहिए? बोलो। ओ हार्ट, जरा देखने दो। दिक्कत यह है कि ये सब फ्रोजन है, मुझे एक धड़कता हुआ दिल चाहिए जो मैं अपने करीब रख सकूं, जो काफी बेहतर होगा, है ना? नहीं थैंक्स, ये शॉप हमारी ही है और हम हमारा जब दिल चाहे खा सकते हैं। हम अब बहुत सारा खाते हैं, हम चॉप करते हैं, फ्राई करते हैं और खाते ही फिर से चॉप करते हैं, फ्राई करते हैं। आयहान, तुम उस नाइफ के साथ क्या कर रही हो? क्यों, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? आयहान प्लीज जरा इसे दूर रखो ना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब क्या तुम इस चाकू से मेरा दिल निकालना चाहती हो? हाँ। तुमने इस नाइफ को देख के बात करना शुरू कर दिया और आजकल तुम इतनी रोमांटिक बातें सीख गए। अब उसे साइड में रख दो ना, हमें एक्सीडेंट्स नहीं चाहिए। क्या हुआ?
सनेम 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 का एक्सीडेंट हुआ है ये बताने के लिए मैं यहाँ आया था। ये तुम क्या कह रहे हो जीजी? सनेम एक कार से टकराई। क्या? क्या? हाँ। सनेम का एक्सीडेंट हो गया ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ। अरे जीजी चलो सनेम। अयान अयान तू नाइफ को लेकर कहाँ जा रही हो? अयान अरे इन्होंने शॉप खुली ही छोड़ दी। गुड इवनिंग रामी कैसे हो? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बाय बाय बाद में मिलते हैं। अच्छा हुआ कि सनेम अब बिल्कुल ठीक है। अनप्रेडिक्टेड एक्सीडेंट। भाई उस ड्राइवर पर बहुत गुस्सा हुए थे पर गलती सनेम की थी। हाँ वो ड्राइवर सनेम ने कहा कि वो उसकी गलती थी। कोई बात नहीं बेटा ये अच्छी बात है कि वो ठीक है और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है। हाँ भाई जस्ट रिलैक्स अब सनेम घर पर है। हाँ वो ठीक थी थैंक गॉड। मैं कितने सालों से ऐसे खाने का इंतजार कर रही थी सच में। 3 दिन बाद ये बोर लगेगा। नहीं मुझे मेरे बेटों के साथ बिताया वक्त वेस्ट नहीं लगता। मैं यही रहने वाली हूँ और ये हमारा पहला डिनर है साथ में। भाई इतना गुस्से में थे कि वो सीधा किचन में गए और खाना बना दिया। पर ये काफी टेस्टी है। इस मील का नाम क्या है? इसमें काफी स्पाइसेस है। कोई नाम नहीं है मेरा मतलब है कि जरूर इसका कोई ना कोई नाम होगा पर ये एक फ्यूजन है। दुनिया में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ से इंस्पायर्ड हूँ। आपको तो पता ही है कि मुझे फ्यूजन खाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत टेस्टी है यू नो आई एट टू मच। मेरा भी बहुत पेट भर गया है। अच्छा उस न्यू बिजनेस का क्या हुआ जो बालकन्स में है? आई बिलीव हाँ। तुम चले जाओगे और हम ये खाना बहुत मिस करेंगे। आदत मत डालिए मैं अभी भी अपने डिसीजन पर अड़ा हूँ। मत जाओ भाई हमें बहुत सारी चीजें लॉन्च करनी है। ठीक है हम इस बात पर कोई ना कोई सलूशन ढूंढ ही लेंगे। ओह ये क्या हो गया? ये बहुत ही बुरा हुआ। अच्छे इंसानों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? कसम से जो हो गया सो वो हो गया। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारे हाथ में ये सब नहीं है इसलिए इंसान को हमेशा डेस्टिनी पर बिलीव करना चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमें ऐसे मायूस नहीं होना चाहिए। तो फिर तुम यहाँ आए क्यों हो मुजफ्फर? मेरा रूममेट जे जे घर पर नहीं था इसलिए मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया और मुझे पता चला कि सनेम का एक्सीडेंट हुआ है इसलिए मैं उससे मिलने यहाँ पर आ गया। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि जल्दी ठीक हो जाओ। क्यों मैंने तुमसे ऐसा कहा क्या? नहीं तुमने नहीं कहा। तुम वो कहने के लिए थोड़ी आए हो। अब जाने दो बात को खींचो मत क्योंकि अब तुम मेरे लिए स्पेशल इंसान नहीं हो सिर्फ एक इंसान हो एक नॉर्मल इंसान जो बिल्कुल स्पेशल नहीं है। हाँ पर मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहूंगा क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो लेकिन स्पेशल दोस्त नहीं। मैं हाँ अब मैं किसी के लिए स्पेशल नहीं हूँ। रुक जाओ ऐसा मत कहो तुम अकेली नहीं जिसको ये सब सहना पड़ रहा है। पर मैं बहुत कुछ सह रही हूँ क्योंकि मैं एक ऑर्डिनरी इंसान जो हूँ। यहाँ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। गुली इस बात ऐसी है कि मुजफ्फर और सनीम का बचपन से ही ऐसा मजाक वाला नाता है। मुजफ्फर उसको हंसाने की कोशिश कर रहा था पर जब सनीम थोड़ी सी जॉन की वजह से नाराज है तो उसने ऑफेंसिव वे में ले लिया। अब चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। पेशेंट से मिलने का वक्त अब खत्म हो गया है। सनीम किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। जल्दी ठीक हो जाओ एकदम फिट हो जाओ मैं भी तुम्हारे लिए यही चाहता हूँ ठीक है। वैसे मैं यहाँ मिस गुली से अक्सर मिलने आता रहूंगा क्योंकि ये भी एडवर्टाइजिंग बिजनेस में है ना। देखो कितना प्यारा मुस्कुराती है इनके गालों पे डिंपल्स भी आते हैं बहुत ब्यूटीफुल है ये। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी तरफ से ये फूलों का बुके आप एक्सेप्ट कीजिए प्लीज। अब ये बुके की शान और बढ़ जाएगी। थैंक्स ओके ठीक है चलता हूँ। मैं चलती हूँ ठीक है। आई होप कि अगली बार कोई गलती ना हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं चलती हूँ बाय। पता नहीं टैक्सी कहाँ रहेगी उसने कहा था 5 मिनट रुको मैं 10 मिनट में आता हूँ आया नहीं अब तक। ओ, वो आ गई टैक्सी आ गई आ गया टैक्सी आ गई आराम से। थैंक यू मेरी वजह से तुम्हें ठंड लग जाए। सब जल्दी जाओ यहाँ से। काश मेरे पास खुद की कार होती तो हमें टैक्सी का वेट नहीं करना पड़ता और मैं तुम्हें खुद घर छोड़ के आता। लेकिन कोई बात नहीं पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ टैक्सी में आ सकता हूँ और तुम्हें घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ और जब तक तुम अपने घर में चली नहीं जाती मैं बाहर खड़े रहकर बाय बाय करता रहूंगा तुम्हें और फिर इसी टैक्सी में बैठकर वापस आ जाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सेफली घर पहुँच जाओ ठीक है ना। तुम सेफली घर पहुँच जाओगी तो मेरे भी दिल को सुकून मिलेगा। पर तुम ये क्या कर रहे हो? जाने दो उसे ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब वो कैब से जा रही है। थैंक यू सच में नो नीड। तुम कितने अच्छे हो काइंड हो। थैंक यू मुजफ्फर सॉरी मैं निकलती हूँ। मैं दरवाजा खोलता हूँ आराम से बैठ जाओ ठीक है। काम करते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो क्या है ना मेरे पास कोई काम नहीं और इस्तांबुल बहुत बड़ा। क्या कर रहे हो? बाहर आओ।
अरे भाई भाई आ रहा हूँ, क्या कर रहे हो? आ रहा हूँ मुझे वापस आ जाऊंगा ना। क्या कर रहे हो? मुझसे रह नहीं सकता ये। आ रहा हूँ, जोर से ढकेलो। ठीक है ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। मिस्टर महमूद, इन्हें सही सलामत घर तक छोड़ दीजिएगा, बहुत प्यारी लेडी है, और जब तक ये घर के अंदर ना घुस जाए वहाँ से गाड़ी मत निकालिएगा, ठीक है ना? मिस्टर मुजफ्फर, ये कैब हमारे मोहल्ले की है, तुम्हें पता है ना? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, ये लड़की बहुत स्पेशल है और स्पेशल दोस्त है। जाओ मिस्टर महमूद, सही सलामत छोड़ दीजिएगा। सनम, मैं जानता हूँ कि तुम सॉरी हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा डेट पे कर सकता हूँ, फिर तो मुझे बाद में पैसे दे देना। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सोचा, हाँ यही करते हैं। कुछ आदमी ऐसा कुछ करते हैं कि आप हमेशा उनके कर्जदार बने रहते हो, और कुछ मेरे भाई जैसे होते हैं, ऑनेस्ट। तुम लोग ये मेल डोमिनेटेड थिंकिंग कभी नहीं छोड़ोगे, इसका आपस में क्या कनेक्शन है बताओ मुझे? क्या कनेक्शन है? हाँ यहाँ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, और ये डेट मेरा फॉल्ट है। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं, तुम अब तुम्हारे बारे में सोचो, ऐसे आदमी हमेशा तुम्हें नाराज करेंगे। पर जेजे भी उसी वर्ल्ड से है, ये मत भूलो, वो भी मुझे नाराज करता है। हेलो गर्ल्स, अब ये सब बातें छोड़ो, सनम हम सब एक फैमिली है, ठीक है? हाँ मैं जानती हूँ उस्मान कि हम एक फैमिली है, पर इसकी सच में कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, सबसे पहले कंफर्टेबल फील करो, ओके? हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ये बात याद रखना। ओ यहाँ मेरी दोस्त, मैं जानती हूँ डियर। फिर स्माइल करो, चलो ठीक है। अच्छा, और जेजे ने क्या कहा था कि पेशेंट विजिट शॉर्ट होनी चाहिए? अच्छा, वो वही होता है जो ऐसा कहता है। मेरा चलो मिलते हैं आयहान, बिजी है। चलो सी यू, थैंक यू सो मच। सदैव बिना, बहुत शर्मीली लड़की है, ऐसा थोड़ी होता है, कार उसे बस टच करके चली गई और वो एक्सीडेंट कह रही है। क्या उसे इमरजेंसी रूम में लेकर गए, उसका ब्लड लॉस हुआ, क्या वो मरते मरते बचे? नहीं ना, ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ उसके साथ ऐसा हो। मुजफ्फर ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है उसके साथ क्या हो रहा है? मिस्टर जान अब्रॉड जा रहे हैं, उनका ब्रेकअप हो गया, सनेम ने जॉब छोड़ दिया, वो यहीं रहेगी। क्या कह रहे हो भाई? हाँ मुजफ्फर, बस एक सेकंड, सनेम ने जॉब छोड़ दिया और मेरा रिलेशन भी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा नहीं है, क्या मेरी भी नौकरी चली जाएगी? हाँ, क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा मुजफ्फर? क्या मेरी भी जॉब चली जाएगी? बताओ मुझे, बताओ क्या ऐसा ही होगा, बताओ। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हर एक इंसान की ना अपनी अपनी किस्मत होती है, पर मुझे ना इस वक्त सिर्फ एक ही चीज की फिक्र हो रही है, और वो ये कि मिस गुलिस सही सलामत पहुंची होगी या नहीं। जे जे, वो मुझे मैसेज करने वाली थी पहुँच कर, लेकिन उसका मैसेज अब तक आया नहीं मेरे भाई। मेरी तरफ देखो, हाँ तुम गुलिस को पसंद करते हो, है ना? अरे नहीं, तुम बिना कुछ भी कहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बिना कुछ भी कहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, वो छोटी सी क्यूट सी और उसको डिम्पल्स भी आते हैं। क्या तुम्हें प्यार हो गया? नहीं, उसमें प्यार का नाम नहीं ले सकता, मैं फिलहाल प्यार के लिए रेडी नहीं हूँ, अभी टाइम है इसके लिए। हाँ लेकिन मुझे वो बहुत अच्छी लगती है और काफी स्वीट भी है वो। वो पहुंची हो गया नहीं अब तक? क्या हुआ, अभी तक सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही क्या तुम्हें? सोना है इसीलिए अपना बेड खोल रही हूँ। इधर आओ, यहाँ बैठो। ऐसी क्या परेशानी थी, क्या सोच रही थी जो कार नजर नहीं आई तुम्हें? ऑफिस में सब ठीक चल रहा है ना? जान के साथ कोई प्रॉब्लम है? प्लीज मुझे बताओ, क्या बात है बताओ मुझे, क्या हुआ है बताओ। वो मेरे और जान के बीच कुछ ठीक नहीं है। बेटा अक्सर ऐसा हो जाता है, तुम हमें ही देखो, पूरा दिन झगड़ा करते रहते हैं, तो क्या मैं जाके कार से टकरा जाती हूँ? अगर मैं इतना ही सोचती ना तो बार बार जाके किसी कार से टकराती। माँ मैं भला ऐसा क्यों कहूँगी, जान जा रहे है। कहाँ? अब्रॉड, बालकांस, वहाँ फोटोग्राफी करने और ट्रैवल करने भी। हाँ वो जा सकता है वहाँ, फोटोज खींच सकता है, तो वापस भी तो आएगा ना, इसमें क्या गलत है? नहीं ऐसा नहीं है, वो जा रहे है ताकि मुझसे दूर रह सके, उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट किया। जान अरेस्ट हो गए थे और उन्हें बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा, ऐसा कुछ जो गलत था। वो आदमी जिसकी वजह से जान अरेस्ट हुए, वो मेरे परफ्यूम के पीछे पड़ा था और मुझे वो उसे देना पड़ा जान को बचाने के लिए। तो क्या हुआ? और मैं ये सब उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ कहूँ इससे पहले ही उन्हें पता चल गया। तो उसका दिल टूट गया होगा ना?
उन्होंने कहा कि मैं बाकी लोगों जैसी हूँ। अब हमारे बीच का मैजिक खत्म हो गया है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो जा रहे हैं। शायद मुझे लगता है यही सही है, मुझे नहीं पता, पर उसे वक्त की जरूरत होगी। शायद तुम्हारे लिए भी यही सही होगा बेटा। वो वहाँ जाएगा, रेस्ट करेगा और वापस आ जाएगा। तुम क्या करोगी? अपना ख्याल रखोगी ना? तुम्हें काम करना है। माँ, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। ये क्या कह रही हो? मैं वहाँ और नहीं रुक सकती। नहीं नहीं बेटा, मेरी प्यारी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। मॉम, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा दिल तोड़ रहा है जोर से। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ इंसान के टूटे दिल को जुड़ने में वक्त लगता है, पर वक्त ही सब ठीक भी करता है ना बेटा। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। चलो अब रोना बंद करो मेरी प्यारी बच्ची। जान, ऐसे फोटो लो जैसे मेरा ध्यान नहीं है, ठीक है? ओके टेक। हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ। हाय, ये गेट। मैंने तुम्हारा मैसेज अभी पढ़ा, थैंक यू सो मच। वो नोटबुक मेरे लिए बहुत कीमती है, मुझे बुरा लगता है अगर वो खो जाती है। अभी तुम्हारा मैसेज देखा, थैंक यू। वो नोटबुक मेरे लिए बहुत कीमती है, मुझे बुरा लगता अगर वो खो जाती। फिक्र मत करो, वो मेरे पास सेफ है, मुझे उसके बारे में बात करनी है। थैंक यू सो मच। मैं बस लिखने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा फिनिशिंग बाकी है। मुझे माफ करना लेकिन मैंने वो बुक पढ़ ली है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम कितना अच्छा लिखती हो सनम, मुझे तो वो पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। ओ सच में? थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए एक ड्रीम जैसा है क्योंकि लिखना मुझे बहुत पसंद है। ओ वाकई में बहुत ही अच्छा लिखती हो, उसमें कुछ एडिशनल टच के साथ इजीली पब्लिश कर सकती हो तुम, वो बुक बेहतर है। क्या कह रहे हो, सच तुम एक पब्लिशर हो? ओह मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी एक नॉवेल लिखनी है, मतलब कई सालों से मैं लिखना चाहती हूँ लेकिन लिख नहीं पा रही अभी। सनम, तुम्हें लिखना चाहिए और प्लीज इसे सीरियसली लो। मैं जो भी कह रहा हूँ वो अच्छा कह रहा हूँ, आपको लिखना चाहिए, आप बहुत ही अच्छा लिखते हो। मैं आपको गलत एडवाइस नहीं दूंगा सनम। हाँ एक्चुअली मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं अब वहाँ काम नहीं कर रही। सच में यार, अक्सर रोज अपनी जरूरतें पूरी करते करते अपने सपने भूल जाते हैं। Oh, I don't know. पर तुम्हें खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। थैंक यू सो मच, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी और मेरी नोटबुक सेफ रखने के लिए थैंक यू। सी यू। आह जान, आह, आपके बिना तो हर चीज अधूरी है, गुड न्यूज भी।
वाओ क्या खुशबू है। गुड मॉर्निंग बेटा। hey, ब्रो मुझे थोड़ी स्पेस दो यार, क्या मैं क्या हॉर्न लेकर घूमू, क्या कर रहे हो, हटो ना जगह दो। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बना रही हैं आप, खुशबू से तो फ्रेंच टोस्ट लग रहा है मुझे। क्यों मैं नहीं बना सकती, मेरे जैसी औरत कभी फ्रेंच टोस्ट नहीं बना सकती ना। जान जब तुम छोटे थे मैं अक्सर तुम्हारे लिए बनाया करती थी, तुम्हें ये अच्छा लगता था। आई होप तुम्हें याद होगा ये तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट था, याद है ना तुम्हें। हाँ स्मेल से काफी नॉस्टैल्जिक लग रहा है, अच्छी है, मुझे याद आ रहा है कुछ। ओके तुम इसे टेबल के पास लेकर जाओ, मैं बाकी का सामान लेकर। ये कलरफुल चीज काफी अच्छी है। और मैं ये चीज प्लेट ले लेता हूँ। क्या बात है, टेबल देखो कितना अच्छा लग रहा है। एवोकाडो, बनाना, स्ट्रॉबेरीज, कीवी, टैंचरीज, मुझे लगता है हम शाम तक खाते रहेंगे। ये रहे ब्रेड, कुछ मिसिंग है क्या इसमें। मॉम हाँ, ये चौथी प्लेट किसके लिए। मैंने पोलिन को इनवाइट किया है। वो क्यों। तुम दोनों साथ में अब्रॉड जाओगे इसीलिए बुलाया है उसे, उसने कहा कि वो मिलना चाहती है इसीलिए उसे ब्रेकफास्ट पर इनवाइट किया। वो बहुत अच्छी लड़की है। वो अच्छी है। वो आ गई। दोनों की ड्रेसिंग सेंस एक जैसी है इसलिए वो अच्छी लगती है, बाकी सब बाहर है। बोलना ये कोई मौका नहीं छोड़ती। हेलो मुझे शुक्रिया। हाय बैठ जा बैठ जा, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। और एम्बे कैसे हो तुम। आई एम गुड थैंक यू। उफ सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है सच में। मिसेस हुमा आप बहुत थक गई होंगी ना। आप बिल्कुल भी नहीं, बच्चों के लिए खाना बनाते वक्त माँ कभी नहीं थक सकती। और तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। बहुत हार्ड वर्किंग है। ओह थैंक यू सो मच मॉम। हाँ मिसेस हुमा हम कहाँ से शुरुआत करें, आपकी कोई एडवाइस है। फ्रेंच टोस्ट खाओ। मैं उस पर फ्राइड एग प्लेस करने वाला था, एक्चुअली मार्मलेड बेहतर रहेगा। कैन यू प्लीज गिव मी दैट। क्या हम उसे वहीं रखें ताकि मेरा हाथ वहाँ तक ना जाए, तुम्हें भी खाने को मिलना चाहिए। सो पोलिन बताओ मुझे इस्तांबुल में कैसा चल रहा है सब कुछ। ओ मिसेस हुमा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ भी काम कर रही हूँ, ये जगह मुझे अच्छी लगती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जान मेरे साथ बैल्कन्स कैंपेन के लिए आ रहा है फाइनली। मैं सच में बहुत खुश हूँ, उसे रिलैक्स करने की जरूरत है और प्लीज उसने बहुत काम किया है, बहुत थक गया है। ये भाई तुम्हारे फोटोग्राफर लाइसेंस का क्या हुआ। मैं क्लियर था, एज यू नो एरकान को इस बारे में पता है, वही इस पर काम करने वाला था और मुझे लगता है कि अभी तक उसका काम हो गया होगा, तो टेंशन मत लो। पर फिर भी मैं एक बार पूछ लूंगा, तुम्हें क्या लगता है हमें लॉयर चेंज करना चाहिए। वैसे भी मुझे उसका स्टाइल पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ ना, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी अभी। वैसे तुम लोग चाहो तो मैं अरेंज करवा सकती हूँ। हम उस बारे में सोचेंगे। ठीक है मैं कर लूंगी। हाँ देखते हैं। जान सुनकर लग रहा है कि तुम शायद कुछ दिनों के लिए एजेंसी जाने वाले हो। हाँ क्योंकि मैं सडनली सब कुछ नहीं छोड़ सकता ना, सब कुछ प्रॉपरली होना चाहिए, इसीलिए कुछ दिन और मैं जाऊंगा। पोलिन कल हम लोगों ने लंच ऑर्गेनाइज किया है, मेरे भाई की वहाँ बहुत जरूरत है। वो कॉस्मेटिक कंपनी के लिए लॉन्च रखा है, हमारी टीम ने एक अच्छा प्रेजेंटेशन किया है और वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है। तुम भी वहाँ जाओ ना, तुम एंजॉय करोगी। हाँ ऑफ कोर्स, अगर जान और एमरे को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ऑफ कोर्स चलो। ओह शो व्हाई नॉट, तुम्हें भी आना चाहिए। ठीक है तो आप सबसे मैं कल मिलती हूँ। ओके केटरिंग का काम पूरा मॉम संभालेगी। फ्रेंच टोस्ट मे बी। पर यहाँ इस टेबल पर कुछ तो मिसिंग है। ओह शायद मिसेस हुमा, अब इतनी यूरोपियन है वो तो होनी चाहिए। ओह मैं तो भूल ही गई, क्या बनाऊं बताओ। नहीं मैं ऑफिस में पी लूंगा, वैसे भी वहाँ सिर्फ मैं ही चाय पीता हूँ और कोई नहीं। इसमें से भी कुछ ले लो। हाँ मेरी बच्ची कुछ खा लो, यहाँ कितना सारा है। मैं खा रही हूँ। थोड़े से ऑलिव खा लो बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सनम। इससे पहले कि आप मुझसे कोई सवाल पूछे, मिस्टर जान ने दो हफ्ते मुझे काम के लिए बुलाया है क्योंकि रिजाइन के भी कोई रूल्स होते हैं, तो मुझे ऑफिस में जाकर काम करना होगा और मैं भी नहीं चाहती कि वहाँ मेरा कोई पेंडिंग काम रहे। अच्छी बात है बेटा, हमें हमारा काम शिद्दत से करना चाहिए। 15 दिन तो 15 दिन ही सही, जाओ तुम जाओ, वाकई में जाओ। हाँ हम सब कुछ प्रॉपरली मैनेज कर लेंगे और अगर मिस्टर जान को कुछ काम करवाना होगा तो मुझे वहाँ जाना होगा। ठीक है तो मुझे निकलना होगा वरना मैं लेट हो जाऊंगी। चलो लाला। ओके सी यू बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ हैव अ नाइस डे। हमें हमारे बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ हमेशा करना चाहिए। हाँ
पता नहीं मिस गुलीस अभी क्या कर रही होगी, क्या वो दुकान में होगी? नहीं, मेरा मतलब वो ऑफिस में होगी। उनका काम भी बहुत मेहनत वाला है, बहुत मेहनत करती है। उसका फेस कितना प्यारा, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मुज़फ़्फ़र बेटा, तुम कहाँ थे? गुड मॉर्निंग मिसेस आइसुन, मुझे लगता है कि आपका नाम आइसुन ही है। क्यों, सही कहा ना मैंने? मैं लोगों का नाम आसानी से भूलता नहीं हूँ। आजकल तुम कहाँ हो बेटा, तुम कहाँ सोते हो, तुम अनजान आदमी के घर में क्यों रहते हो? लगता है आप भूल गई हैं कि आपने ही मुझे घर से बाहर निकाला है, वो भी धक्के मार कर निकाला है मुझे। इसलिए मुझे जहाँ जगह मिली मैं वहाँ पर जाकर रह रहा हूँ। आपको इससे क्या मतलब है? ओहो, माँ बेटे में ऐसे झगड़े होना आम बात है। चलो अपने घर चलो और अपने बेड पर सो जाओ बेटा। वो बहुत ही कंफर्टेबल था। सच में अनजान इंसान के घर पर रहना बहुत ही मुश्किल बात है, एडजस्ट करना पड़ता है बहुत कुछ। और जे वो बहुत ही अजीब हरकतें करता है, कभी नींद में चलता है, कभी बातें करता है। एक दिन उसने मुझे मुसक्का बनाने को कहा और एक दिन उसने मुझे रोटी बनाने के लिए कहा। बेल बेलकर थक गया मैं, लेकिन अब मैं मेरे घर वापस चला जाऊंगा। मुझे सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। चलो पहले, लेकिन अभी मुझे शॉप पर जाना है। ठीक है ठीक, मैं ऑर्गेनिक नहीं छोड़ूंगा, ऑर्गेनिक जिंदाबाद। ठीक है, आओ मेरे साथ, मैं बाद में घर आता हूँ। ठीक है, 5 मिनट के लिए दुकान पर चलो। रामी, हमारे लिए चाय लेकर आओ। ठीक है, कड़क चाय बनाना। ठीक है, मलाई मार के। ठीक है, ये वाला देखो। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचकर बताऊंगा। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? क्या फैब्री भी यहाँ है? अरे बाप रे, अरे फैब्री यहाँ क्यों आएगा गुलीस? नॉनसेंस, इस औरत ने फैब्री को छोड़ दिया, इसी ने उसके खिलाफ एविडेंस दिए थे। पर वो यहाँ क्यों आई है? अगर वो यहाँ जॉब के लिए आई होगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मिस डेरन, मैं अभी के अभी आपको बता रहा हूँ, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा। सच में मिस्टर जेजे, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जेजे, वेलकम। हाँ, हेलो डेरन। हेलो, How are you? I'm too good. How are you? मैं मिस्टर जॉन से मिलने आई हूँ। मिस्टर जॉन अब तक आए नहीं हैं। वो आ गए। सुपर्ब। मिस मीने, वेलकम। मिस्टर जॉन, हेलो। हेलो, नाइस टू मीट यू। हाय। फैब्रिक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, डोंट वरी। एक्चुअली इटली में भी उसके खिलाफ सिमिलर एक्यूजेशन लगे हैं। बात है ना ये? तो अब सारे केसेस यूनाइट हो गए हैं, इसका मतलब फैब्री कई सालों तक जेल में रहने वाला है। वेरी गुड, मुझे खुशी हुई। मैं यहाँ तुम्हें थैंक्स कहने आई हूँ। थैंक यू सो मच, जो भी किया उसके लिए। कोई बात नहीं है। फैब्री को छोड़ने के बाद मिस्टर जॉन ने मैकिनन से मेरे बारे में बात की। आई रियली अप्रिशिएट दिस। आई ओ यू दिस मिस्टर जॉन। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेंशन नॉट मैकिनन को, आप जैसे इंसान की जरूरत थी, जिसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है, तो आप उनके लिए ही सूटेबल रहेंगी। थैंक यू, पर आपकी जगह कोई और होता तो शायद ऐसा नहीं करता। आपने मैकिनन से मेरी तारीफ की, मेरे बारे में उन्हें अच्छा अच्छा बताया है। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। मिस्टर मैकिनन कैसे हैं? कल के लंच के लिए हम काफी एक्साइटेड हैं। वो भी एक्साइटेड है, पर उनकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए उनके बदले आज मैं काम कर रही हूँ। एक्चुअली वो बहुत बिजी है ना, तो मैं यहाँ आ गई। ऑलराइट। एक्चुअली मेरे कुछ सवाल हैं, अगर आपसे पूछने हो तो बताइए, क्या फ्री? ऑफ कोर्स, जरूर पूछिए। ओके, सी यू लेटर। यस, सी यू लेटर। फिर भी मुझे इस औरत पर भरोसा नहीं है। पर जे जे ही ऐसे छोड़ दिया, उस पर भरोसा मत करो गुलीस, ये औरत भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। हाँ सनेम, मैं जानता था तुम जरूर वापस आओगी। जे जे, वेलकम बैक। नहीं, सिर्फ 15 दिनों के लिए, क्योंकि डिजाइन नोटिस पीरियड सिर्फ 15 दिनों का होता है। हेलो गाइस, बाय बाय। वेलकम सनेम। थैंक यू। उस दिन वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी, वो सच में बहुत खूबसूरत थी बेटा। हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है। गुलीस, गुलीस। वो काफी स्वीट है, इतनी मीठी मीठी बातें करते कि मन करता है उसकी बातें सुनते रहो। थोड़ी सी छोटी है पर उसके डिंपल बहुत अच्छे हैं। वो बहुत होशियार भी है, हमेशा हंसती रहती है, और मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो बहुत स्मार्ट भी है। तुम दोनों साथ में पोस्टर्स बना रहे थे, क्यों है ना? और मैं जानता हूँ कि उसका बहुत ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। वो अपने काम में बहुत ही अच्छी है, वो बहुत ही जीनियस भी है। सच में? और मुझे उसके साथ रहना है, अगर आप राजी हैं। हाँ, मैं राजी। मैं उसे पाने के लिए कुछ भी करूँगा। वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही क्लासी लड़की है। हम दोनों मिलकर सामने ऑर्गेनिक की दुकान खोलेंगे, लेकिन आप हम दोनों से भी आकर वैसे ही मत लड़ना, ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, चलो चलो, ये अच्छी बात है। आपको भी गुलीस पसंद है ना? अब तो दुल्हनिया घर लेकर आओ। मेरा बेटा, मेरा शेर है। हे गाइस, तो रेड मोड का लॉन्च कल है, जैसे कि आपको पता है कि उनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है। I apologize again, जो कुछ भी हुआ था
सब मेरी वजह से हुआ था। मुझे आइलैंड को कैंपेन की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए थी। हाँ ए, वो दूसरी बात है डेरन, पर सब कुछ तो फैब्रिक के कुछ लोगों के ऑब्सेशन की वजह से हुआ है, तो छोड़ो वो सारी बातें पुरानी है, हमें कुछ और सोचना चाहिए। चीजें छोड़ने में तो आप काफी एक्सपर्ट है, आप ही को ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप ही हमें रास्ता बताइए। ऑफ कोर्स मिस सनम, मैं ये कर सकता हूँ, पर ये काफी नहीं है। फिलहाल हमारा जॉब नहीं छूटना चाहिए, यह बात इम्पोर्टेंट है, तो हम काम पर फोकस करते हैं, है ना। इंसान ना पास्ट में चाहे जितना भी भटक जाए, पर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है अगर वो गिव अप ना करे। हाँ, मुझे लगता है शायद ये जो बातें हैं हमें कैंपेन के लिए काम आएंगी। हमारे पास तो रोड के वीडियोस भी हैं। ओह, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। नहीं जे, इसका रेड मोड से कोई रिलेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्या हमें कुछ चेक करना है? हाँ, तो चलो देखते हैं। मैगजीन्स और एड का काम हो गया है। सरम, क्या तुमने टाइटल्स चेक किए हैं? ऑफ कोर्स आई डिड मिस्टर जॉन। डेरन, क्या तुमने चेक किया कि सनम ने चेक किया है नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, मैंने चेक कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, दूसरे सिटीज में बिलबोर्ड भेज दिए हैं। वेल सनम, क्या तुमने सिटी लिस्ट चेक की? यस मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन, ये आपने भी मुझे चेक करने के लिए कहा था, मैं चेक कर चुका हूँ, सब ठीक है। वेरी गुड जे, वेरी गुड। उन्होंने मुझे भी यही कहा था, हम दोनों को सेम ड्यूटी दी थी। डबल चेक माय फ्रेंड्स, प्लीज ऑफेंड मत हो, डबल चेक करना है। ओ हाँ, हम में से कुछ लोग एब्सेंट माइंडेड भी हो सकते हैं, वो किसी और चीज के बारे में सोच रहे होंगे, जैसे कि बालकांस वगैरह वगैरह वगैरह। सही कहा, सही कहा। कभी कभी बालकन से ठंडी हवा आती है और मौसम भी बहुत ही बहुत 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 ज्यादा ठंडा हो जाता है। मैं वेदर फोरकास्ट लिखता हूँ। पोस्टर्स की जो जगह थी, क्या वो अरेंज हो गई है? हाँ, मैं पहले ही डिटेल लिस्ट बना चुकी हूँ। टाइटल अट्रैक्ट इम्प्रेस एंड एंड चैलेंज, और वो इस ऑर्डर में हैंग किए जाएंगे। आशा करती हूँ अब आपकी समझ में आ गया होगा। हाँ, परफेक्ट है। ओ, लेट मी रिपीट, अट्रैक्ट इम्प्रेस एंड चैलेंज। डेरन, मुझे लगता है कि अब ये टाइटल सोचने के लिए वक्त नहीं है। आप क्या कर रहे हो जान, इन टाइल्स के लिए हमें कस्टमर से पहले ही अप्रूवल मिल चुका है, अब सब हो गया है, इट इज डन। मिस्टर जॉन, शायद आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं, मिस डेरन ने टीम को गैदर करके हमारे यहाँ रात भर काम किया, और मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि कस्टमर ने भी हमारे काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। ऑलराइट गाइस, सब अपने अपने काम पर वापस लग जाओ। कुछ भी बात करते हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बिल्कुल, आज हमारे बीच से चाय और मेहमान नवाजी खत्म होते जा रही है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होने वाला। अब से होगा सिर्फ और सिर्फ दोस्ती, शांति और भाईचारा। अब सिर्फ बिजनेस पर फोकस करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने इस पर पहले ही बहुत काम किया, और इससे हमें मिलेगा पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। और मुझे यकीन है कि मेरा प्लान बहुत अच्छा है। मेरे प्लान के मुताबिक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मेंबरशिप, और इस पर मिलेगा आपको 20% डिस्काउंट। और अगर आप अपने दो दोस्तों को लेकर आते हैं तो तीनों को अलग से 10% डिस्काउंट और दिया जाएगा, और ऐसे तीनों कस्टमर्स खुश हो जाएंगे, है कि नहीं। डिस्काउंट की लालच में लोग कहीं पर भी आ जाते हैं, बस उन्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट। कैसा लगा मेरा प्लान बताइए मिसेज मेल्के? लेकिन हम वो दो लोग लाएंगे कहाँ से? मिस्टर हिसान को हम 1.5 गिनेंगे। मिस्टर हिसान, तुम बहुत बड़े और भारी हो, इसलिए प्लीज बुरा मत माना मेरी बात को, मैं तो बस ऐसी कहती हूँ, हमारी तो पुरानी दोस्ती है कि नहीं। मिस्टर हिसान एक जन है, और अगर वो एक और जन को लाते हैं तो हमारा सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। मैंने पहले कैलकुलेशन कर ली है, इनफैक्ट मशीन से भी कैलकुलेशन कर ली है मैंने, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो देखो मेरा कैलकुलेशन कितना लाजवाब है, देखो दिखाता हूँ। अगर ये सिस्टम जैसा मैंने सोचा है वैसा काम किया तो मजा आ जाएगा। मिस्टर हिसान, तुम जरा ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इनकम 1,000, 2,000, 3,000 लिराज तक पहुँच सकती है, और ये मुमकिन है। थक जाओगे तुम, नोट गिन गिन, ये सिस्टम का नाम है विन विन। मिस्टर एहसान, जल्दी घर चले जाओ, तुम्हारी ट्रेन छूटने वाली है। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन आपको इसके लिए 100 लीरा देने होंगे, 2 50 की नोट भी चलेगी। किस लिए भला? वो क्या है कि हर प्रॉफिट की कीमत तो होती है, वरना सिस्टम ये डेवलप कैसे होगा, इसी तरह से ना, यही तो उसूल होता है। इसलिए आप इस 100 लीरा को अपनी मेंबरशिप फीस समझिएगा। सही है, ये रहे पैसे। लेकिन आई सुन, आई एम सॉरी, मैं डायरेक्ट मेंबर बन रहा हूँ, तुम्हारे लिए सेकेंडरी नहीं बनूंगा। ऐसा तुम्हें नोटों की खुशबू आई गई है, बहुत होशियार हो। जैसे तुम लगते हो वैसे हो। तुम्हारा सरनेम क्या है? ट्रस्ट है, ट्रस्ट, ईसान ट्रस्ट। क्या कह रहे हो? बहुत ही अच्छे, ये हमारे ब्रोशर से हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तुम इनको अपनी आसपास की लोकेलिटी में अच्छे से बांट देना, ऐसा करने से सबका फायदा होगा। ये अच्छा है, अब मैं कैफे जाकर अपने कुछ दोस्तों को लेकर आता हूँ, ठीक है? मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, तुम उन्हें पक्का कन्विंस कर लोगे। तुम एक बहुत ही अच्छे शिकारी हो, तुम्हारे अंदर भी बिजनेस करने का जुनून है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं हेयरड्रेसर के यहाँ जाती हूँ। हाँ ठीक है, जाइए, मामा भी जाइए। अच्छा होगा अगर आप एक मेंबर को ढूंढ कर लाएंगी तो आपका भी फायदा होगा, मुझे यकीन है कि आप कर लेंगी। तुम तो ना अनबिलीवेबल हो,
तुम हर दिन किसी नए और कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट को लेकर आते हो, ऐसी अजीब अजीब आइडियाज लाते हो ना कि क्या बताऊं। हमें फ्री में एडवर्टाइजर्स मिल रहे हैं, हम एक नई सिस्टम बनाने वाले हैं, मार्केट में तुमसे अच्छा कोई नहीं, बहुत खूब। अरे आप ही ना प्रेसिडेंट साहब, मेरा दिमाग किसी सीईओ से कम नहीं है। मेरे दिमाग में बहुत सारे ब्राइट आइडियाज आते जाते रहते हैं और इन दिनों मेरा दिल आजकल बहुत ही खुश रहता है। ऐसा लगता है मेरे दिल में तितलियां उड़ रही है और मेरा मन अंदर से बार बार ये कह रहा है कि मैं सब कुछ हासिल करूंगा, मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, देखा हमने कुछ बेचा भी नहीं और हमारे पास 200 लिरास आ गए। क्या बात है। अरे प्रेसिडेंट मिस मैकी बे, कुछ ना कुछ बेच कर तो पैसे हर कोई कमा ही लेता है, लेकिन बात तो तब है कि अगर कोई बिना बेचे ही बहुत सारे पैसे कमा ले। ये सिस्टम हम दोनों को माला माल बना देगा, इसलिए तो इसका नाम है विन 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 विन। हेलो ईद। हाय सनम, मैं तुम्हें इंटरप्ट तो नहीं कर रहा ना? नहीं, मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छे, मैं तुम्हारी नोटबुक लेकर आने का प्लान कर रहा था। अरे नहीं नहीं, तुम उसे कार्गो से भेज दो ना। नहीं नहीं, मुझे अपने हाथों से देना है। और पता है मैं इस वक्त भी तुम्हारे एजेंसी के गरीब कैफे में हूँ। तुम्हें एजेंसी का एड्रेस कैसे मालूम? मैंने तो तुम्हें नहीं दिया था। वो तो तुम्हारे नोटबुक पर लिखा था ना। ओह हाँ सच है, मैंने उस पे लिख दिया ताकि अगर वो खो गई तो मिल जाए। अगर तुम्हें वक्त है तो आ जाओ, मैं तुम्हारी नोटबुक भी दे दूंगा और हम बात भी कर लेंगे। मेरे पास सजेशन है तुम्हें बताने के लिए। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, मुझे पता है वो जगह। हाँ मैं आती हूँ तुमसे मिलने। सनी, तुम कहाँ जा रही हो? वो ईद मेरी नोटबुक लेकर आया है, मुझे जाना होगा। क्या मैं जा सकती हूँ? क्या बात है मॉम, आप दो कस्टमर्स लेकर आई गई। अब ये सिस्टम शुरू हो जाएगा और आपको भी इससे बहुत सारा फायदा होगा और पैसे डबल हो जाएंगे आपके, डबल के चौबल होंगे और आपको बहुत मुनाफा होगा। हाँ और भी कुछ ले लो। नहीं बस इतना ही। जब तुमने पहले बताया मुझे तो जरा स्ट्रेंज सा लगा, लेकिन मिसेस मिलाहत, ये कोई मेरा पहला बिजनेस नहीं है। अब सिस्टम काम करने लगा है और ये काम करते ही रहेगा, आप देखना। जाइए जाइए और ऑर्गेनिक लवर्स को ढूंढिए, ऑर्गेनिक अमर रहे। ये तो बगैर कुछ खरीदे ही चले गए। कोई बात नहीं, वो अगली बार खरीद लेंगे, एक बार उनको आदत पड़ गई ना तो वो यहाँ हमेशा आती रहेंगी, पिरामिड ऊंचा हो जाएगा। अब जाकर और लोगों को ढूंढिए। मुजफ्फर मेरे भाई, हेलो मेरे प्यारे पार्टनर एहसान, और बताओ सब कैसा चल रहा है? पूरा यकीन है कि तुम लोगों को लेकर आए हो। देखो मैं कुछ नए ट्रेड पार्टनर लेकर आया हूँ, अब हम थ्री मस्केटियर्स की तरह हो गए। इधर आओ बैठिए। हाँ आ जाओ आ जाओ, बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए। ठीक है ठीक है, ये जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इन सबसे रजिस्ट्रेशन फीस चाहिए, मुझे सबसे सौल देना चाहिए, बहुत सारे लोगों को लेकर आओ। अपने दो लोगों को दो बार लेकर आया, दो का मतलब चार हो गया। ऐसे लोगों को लेकर आओगे तो मुनाफा डबल हो जाएगा, समझ रहे हो तुम? हेलो कैसे हो सर? हेलो हेलो मुजफ्फर यार, तुमने बिजनेस शुरू किया और हमें बताया भी नहीं। एक काम करो, हमारा भी नाम लिखो। आप तीन लोग आए, अरे वाह क्या पावरफुल ट्रायल लग रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आओ पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, ये सिस्टम बहुत ही कोऑपरेटिव है और ये खुद ब खुद एडवर्टाइज भी करता है। ये हमारा मोहल्ला जो है ना, ये आने वाले वक्त में एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनिक सेंटर बन जाएगा। सब लोग अपने आप आएंगे और हमारे मोहल्ले में चारों ओर चर्चा होगा सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक का। आप लोग देखिए, आइए आइए इधर आइए, चलो 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 जाइए जाइए जाइए, नाम बताइए, सब नाम लिखवा लो। मैं काम करता हूं और लोगों को लेकर आता हूं। ठीक है चलो और लोगों को लेकर, चलो तुम कर सकते हो, जाओ जाइए। मुझे कैसे है? अरे देखो कौन आया है, हमारे ऑर्गेनिक लवर, आइए नाम लिखाइए। क्या सच में इसमें थीम्स ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? ये मूव कर रही है, लेकिन तुमने बहुत अच्छा लिखा है। थैंक यू सो मच, ये सब पब्लिशर से सुनने के लिए मिलना बहुत इम्पोर्टेंट था। तुमको किसी करेज की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। तुम किसी भी चीज पर लिख सकती हो, तुम मीट बॉल्स पर लिखोगी तो मैं उसे खुशी से पढ़ूंगा। अभी सनम मीट बॉल्स, हम लोग यहाँ कॉफी के लिए मिले और हमने मीट बॉल्स भी खाए। कोई नहीं मैं चलती हूँ अब। हाँ सही है, लेकिन इस तरह की मीटिंग भी तो जरूरी है। बिजनेस मीटिंग मतलब? तुमने कहा था कि तुमने जॉब छोड़ दिया है, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। वो क्या है?
मैं एक नया नॉवेल लिख रहा हूँ। तुम्हारे पास ग्रेट पोटेंशियल है और मुझे यकीन है कि तुम ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हो। मेरा नॉवेल लिखूं? मतलब मैं लिखूंगी और तुम पब्लिश करोगे? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एडिटर बनकर भी काम करो। तुम्हारे पास एजेंसी का एक्सपीरियंस है, हमें तुम्हारा बहुत ही फायदा हो सकता है। सनम, मुझे ये नहीं पता था। अगर तुम चाहो तो कर सकती हो। देखो, मैं कनाडा में बहुत साल रहा हूँ, मैं क्रिएटिव राइटिंग में कोर्स करवा चुका हूँ। वो सब कुछ शुरू शुरू में अच्छा लगता था, लेकिन क्यों छोड़ा? मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता था, मुझे स्टूडेंट अच्छे लगते थे, लेकिन फिर मैं कुछ और करने के सपने देख रहा था, कुछ अलग। ये काफी नहीं था मेरे लिए। मैं उन राइटर्स की मदद करना चाहता था जो लिखना चाहते थे। मेरी तलाश जारी है। ओ, तो फिर वापस क्यों आ गए? वहाँ पर मेरी पार्टनरशिप है जो चल रही है, इसीलिए मेरे कनेक्शंस भी हैं। मैं कभी यहाँ कभी वहाँ भटकता रहता हूँ, लेकिन मैं अपने देश के यंग राइटर्स के पास पहुँचूं और उनकी मदद करूं। ओ, बहुत अच्छे। इसका मतलब तुम्हें अपने ड्रीम के बारे में पता चला। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत किताबें, मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी है, तो कुछ बुरी किताबें भी पढ़ी है। मैं तुम्हारी सच्चाई बता रहा हूँ, तुम जो लिखती हो वो सभी लोगों तक पहुँचना चाहिए। यही तो अपॉर्चुनिटी है जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया। तुम्हें इसकी इज्जत करनी होगी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जल्दबाजी में मत सोचो सनम, तुम इसके बारे में जरूर सोचना। और देखा, हुई ना बिजनेस मीटिंग? पर मुझे 15 दिन और वहाँ जाना होगा काम करने के लिए। क्यों? वो क्या है ना, ऐसी प्रोसीजर है, 15 दिन का नोटिस पीरियड होता है, इसीलिए तो मुझे जाना होगा वहाँ काम करने। हाँ ठीक है, सही कह रही हो, मैं बिल पे कर देता हूँ। क्या है कि मैं एक नया ऑफिस ढूंढ रहा हूँ, मुझे भी किसी से मिलने जाना है। मैं तुम्हें तुम्हारी ऑफिस तक छोड़ सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, क्या कहती हो? ओके, देन ठीक है। नॉवेल, मेरा नॉवेल, उफ। रेसिडेंट साहिबा, मैं जा रहा हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो दरअसल मैंने कुछ ऑर्गेनिक सैंपल ले लिए हैं शॉप से। मैं जेजे के पास जा रहा हूँ, फिर एजेंसी के लोगों के पास जाऊंगा, ताकि हम अच्छे से एडवर्टाइज कर पाए और आगे बढ़ पाए। मोहल्ले के बाहर भी तो निकलना पड़ेगा ना हमें। अभी वहाँ मत जाओ ना, वहाँ मिस्टर चान होंगे, सैनम होंगी, उनको परेशानी होगी। अरे आंटी, हम लोग बड़े हो गए हैं अभी, कोई टेंशन नहीं है। मुझे जान से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही सनेम से कोई प्रॉब्लम है। हाँ, सनेम मेरे मोहल्ले की लड़की है, लेकिन मैं तो वहाँ जेजे से मिलने जा रहा हूँ ना, और तो और वहाँ गुली से भी मुलाकात हो जाएगी। उसने मेरी हमेशा हेल्प की है और इस एंटरप्राइज में उसने हमेशा अपने बेहतरीन आइडियाज दिए हैं। बहुत होशियार है, उसके हाइट तो मत जाइएगा, वो छोटी है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। रुको रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि तुम्हें कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए ना, तो मैं आऊँ। नहीं, मैं कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप आना चाहती है तो आइए, लेकिन मेरी सेक्रेटरी की तरह। ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बस मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ अब वो कामयाब हो जाए। अरे आराम से, हमेशा आपने मेरा साथ दिया है, बस इस बार भी मेरा साथ दे देना, मुझे मायूस मत करना, ठीक है ना? मुझे बहुत उम्मीद है। अरे मेरे लिए रुको, मैं आ रही हूँ, रुको। यस गाइस, अब हम शूटिंग कर रहे हैं, जाओ जाके खाली कर दो प्लीज। खाली करवाओ। रिकॉर्डिंग शुरू करें। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो डेरन? एमरी, आपको तो पता है कि कस्टमर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हमें उनको दिखाना पड़ता है कि हम उनकी केयर करते हैं। 3, 2, 1 प्लान 5, टेक 4 बैंकिंग ऑपरेशंस अब आपके पॉकेट में है, हर काम आसान करता है ये इंटरनेट बैंकिंग। Got it. चलो ब्रेक करते हैं गाइस। प्रोडक्शन टीम से कोई आया है क्या? आप जरा स्माइल करेंगे प्लीज, मोटिवेशन जरूरी है, ये हमारे कस्टमर्स के लिए है। थैंक यू सो मच। वेलकम मैडम। उस्मान, ये गरम चाय है, तुम्हें ठंड लग गई होगी ना? अरे डार्लिंग, तुमने क्यों मेहनत की, वो लोग दे देते ना। अरे कोई बात नहीं उस्मान, चलिए और उस्मान को हाय कहिए, आइए। उस्मान, क्या बात है, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू मिस डेरन। हेलो,
वेलकम। आपके लिए चाय लाऊं क्या? मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ होगी। लंच ब्रेक था इसीलिए मिलने आई यहाँ पर। मैंने उससे कहा था इसलिए वो मना नहीं कर पाई। उस्मान सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी देर वेट करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज सर। हाँ ठीक है, चलो हम अंदर चलते हैं, तुम्हें ठंड लग रही होगी ना? नहीं नहीं मैं यही ठीक हूँ। तो हम लोग यहाँ पर चाय पीते हैं। ओके देन। मिस डेरिन हम लोग सेट चेंज करने की सोच रहे हैं, डायरेक्टर इससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो मुझे डायरेक्टर से जाकर बात करनी होगी। ओके एमरी, क्या आप डायरेक्टर को हाय नहीं बोलेंगे? शायद वो इस सेट से खुश नहीं है। तो हमने आज क्या सीखा हा? आर्गन ऑयल और कोकोनट ऑयल के बारे में। ये लो सब में बांट दो, सबको अपनी स्किन पर अप्लाई करने के लिए बोलो। सबकी स्किन बच्चे की तरह गुलाबी और चिकनी हो जाएगी। लो इसको लगा कर देखो। लगाइए और फर्क देखिए। ठीक है तो अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक सोप के बारे में। ये बड़े ही काम की चीज है और हर एक चीज के लिए बहुत फायदेमंद है। सच में ये बहुत हेल्दी है और आपको चमकदार बनाएगा। इसको लगाने के ढेर सारे फायदे हैं और इससे कोई नुकसान भी नहीं है। आप लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो मुझे याद करेंगे। और तो और इसके साथ आपको क्या कर रहे हो? क्या है ये सब? क्या हो रहा है? ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? हमारे प्रोडक्ट है, बता रहे हैं। मत लो इसे, सुनो मेरी बात। खाली छोड़ो, कहा ना मैंने छोड़ो। जी जी तुम क्या कर रहे हो? क्या पुलिस, यहाँ क्या बाजार भरा है? पाइन हनी छोड़ दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम आप यहाँ क्या कर रही है? वहाँ तो मुझे सिर्फ पुलिस से ही निपटना पड़ता, लेकिन यहाँ तो जेजे मुझे कुछ करने नहीं दे रहा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? चलो काम करो, जाओ सब लोग। चलो मिसेस हूँ, मैंने इनको वार्न करने की कोशिश तो की थी लेकिन ये लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या करूँ? देखिए मैडम, मैं आपका नाम नहीं ले सकता लेकिन हम तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने के लिए आए थे। अच्छे से पब्लिसिटी करके हम सबको हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। हमारा स्लोगन भी है कि सीधा एनाटोलिया के दिल से आपके टेबल पर। हम तो सिर्फ बता रहे थे कि इसे कंज्यूम करने से कितने फायदे मिलते हैं। इसमें जेजे की कोई गलती नहीं है और न ही हमारी कोई गलती है। क्या आपका इन प्रोडक्ट से कोई कनेक्शन है? मुजफ्फर और मैं ऑर्गेनिक गुड्स की एक शॉप चलाते हैं तो इसलिए सामान लेकर यहाँ आए थे ताकि। ग्रेट, बिजनेस में औरतों को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए लेकिन इस तरह से हरगिज नहीं। ये बड़ा बड़ा अजीब तरीका है, यू नो। क्या है ये सब? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, ने जब देखा कि ऑर्गेनिक मार्केट में बहुत बड़ा गैप पड़ा है तो उन्होंने इसमें अपना एक सीरियस योगदान दिया है और उनके पास इससे जुड़ी हर एक जानकारी है। हमारे पास सारी जानकारी है। बिल्कुल मैडम, जैसे कि सनम ने कहा, हमने इस बात का पूरा फायदा उठाया है और सोचा कि हम इस मार्केट में एंटर करेंगे। हम लोग हर तरह के ऑर्गेनिक गुड्स बेचते हैं, चाहे वो गेहूं हो, पाइन हनी हो, टमेटो पेस्ट हो, कुछ भी हो। हम लोग हमारे कस्टमर्स को कभी उदास नहीं करते। हमारे लिए हमारे कस्टमर्स ही सब कुछ है। ऑर्गेनिक चीजें बेचकर हम हमारा घर चलाते हैं। ऑर्गेनिक चीजें अमर रहे। जेनिफर ऑयल, रोजमेरी, एलोवेरा भी है क्या? हाँ बिल्कुल, एलोवेरा है ना? एलोवेरा भी है इसमें, देखिए। हाँ, अमेरिका में मैं इस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती थी पर यहाँ टर्की में कुछ भी नहीं मिलता। मैं जरूर करूंगी। वैसे मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर आप ये टी ट्री ऑयल को यूज करेंगी ना तो जो डाई से आपके बाल एकदम रूखे हो गए हैं ना, इसके इस्तेमाल से ना ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको इस्तेमाल कीजिए। हाँ, बालों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, केमिकल्स की वजह से डैमेज हो जाते हैं। डैमेज बालों के लिए मेरे पास एक क्रीम है, इसे आपको बालों में लगाना होगा और फिर मसाज कीजिए। Really? इससे आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। इसे यूज कीजिए। अच्छा? हाँ। मैंने खरीद रही हूँ, इस्तेमाल करके देखती हूँ कैसे है। भाई यह झगड़ा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो अच्छा है, हम इसमें इससे देना के अलावा हमारे पास कुछ और भी है। हाँ, वो साबुन देना। नहीं, इससे रूखापन बढ़ता है। एंटरप्रेन्योर को साबुन चाहिए, इससे आपकी स्किन ये साबुन मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या तुम्हारी समझ में आ गया मिस डेरिन क्या कह रही हैं? मेरे तो कुछ पहले ही नहीं पड़ा, तुम्हारी समझ में आ गया क्या? अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं वार्न कर रहा हूँ, आप यहाँ कुछ मत कीजिए। मिस डेरिन मुझे इस तरह से मत देखो। नहीं रहा क्या? वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। Shame on you, Gulis. Shame on you. आपको अपना ऑरा अच्छा करना चाहिए। क्या हुआ? वो अपोजिट सेक्स है ना, इसलिए आजकल तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड रहती हो। लेकिन मुझे लगता है वो सनेम से मिलने आया होगा। हाँ हाँ, चलो चल कर देखते हैं कि आखिर वो है कौन। ये हैंडसम लड़का कौन है?
तो फिर रेस शुरू हो गई है। ब्रिटिश नोबल डेरेन जरा आगे की ओर चलते हुए। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस को कुछ करना ही होगा। अगर डेरेन से आगे निकलना है तो किसी अरेबियन घोड़ी की तरह आगे बढ़ते हुए। अरे वाह वाह वाह, वो तो करीब करीब पहुंचने ही वाली है। और अब ये रेस अपने फाइनल लैप तक पहुंच चुकी है और डिफरेंस अभी भी डबल है। पुलिस बहादुर है, उसने अभी तक हार नहीं मानी है। लेकिन देखना है कि कौन पहले पहुंचेगा। और डेरेन पहुंच गई है। ब्रावो डेरेन, ब्रावो, बहुत अच्छे। जी जी, कौन सी रेस? क्या कहा? तुम जाकर अपना काम करो। हेलो, हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? मुझे सनम से मिलना है। सनम से? अगर आपकी परमिशन हो तो। क्या हुआ? मैं तुम्हारी गाड़ी में फिर से कुछ भूल गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं यहाँ पर एक एजेंसी देख रहा हूँ। मतलब कलरफुल एजेंसी? ये मिस डेरेन हमेशा रेनबो की तरह रहती है। कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सनम, दरअसल मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। क्या तुम जल्दी फ्री हो जाओगे ना? नहीं, दरअसल आज कुछ ज्यादा ही काम है। शाम को एक कैंपेन का लॉन्चिंग है। सॉरी टू इंटरप्ट, पर क्या बात हो रही है? बोलो। ईद को मुझसे बात करनी थी तो मैं इन्हें बता रही थी कि आज कुछ ज्यादा ही काम है तो वक्त नहीं मिल पाएगा। शाम को मिलेंगे। आज कोई चांस नहीं है। Unfortunately, हम आज बिजी हैं, बहुत सारा काम बाकी है। अभी इनको स्पीच तैयार करनी है तो तुम किसी और दिन मिल लेना जब मुमकिन हो। you know, सनम बिजी है। Actually, बिजनेस का भी काम था। मुझे आपके इस जगह के नीचे एक फ्लैट रेंट पर है ऐसा मुझे पता चला है। दरअसल हमारा पब्लिश हाउस रेडी हो चुका है। ये पब्लिश होने के समय मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा सनम, ठीक है? क्या कहा? हमारा नया पब्लिशिंग हाउस, क्या बोल रहे हो तुम? मैंने सनम को जॉब ऑफर किया है, उम्मीद करता हूँ कि वो ये करेगी। अच्छा, ओके। तुम ऐसा करने वाली हो सनम? हाँ, बस कुछ वक्त के लिए। मैं सारी पॉसिबिलिटीज को आजमाना चाहती हूँ, इसलिए मैं कंसिडर करूँ। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी मत करना, आराम से सोचना, ठीक है? अच्छा, आप लोग शायद बिजी हैं, मैं चलता हूँ और फिर मिलूंगा। फिर मिलता हूँ सनम। सी यू यकीत। हैव अ गुड डे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। ओके। तो मैं तुम्हें क्या बताने वाली थी गुलीस, जिस कार ने मुझे हिट किया था ना, उस कार का ड्राइवर यिगित था। जी जी, तुम भी सुनो जरा। उस कार का ड्राइवर यिगित था जो अभी आया था। ये कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसे मैं पहले से जानती हूँ। ये वही था जिसकी गाड़ी से मैं टकराई थी। तो फिर वो एजेंसी में किस काम से आया था? वो एग्जाम्पल देना है तो सनम, मेरे कैबिन में आना प्रेजेंटेशन को लेकर। कल का दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक बार पूरा प्रेजेंटेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक मिनट। हमें श्योर होना होगा कि सब ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ, बस हम पर भरोसा ही मत। जरा आराम से। ओके। मिस्टर जॉन, हमारे पास 40 स्लाइड है जिनको हम कई बार चेक कर चुके हैं। कम से कम 40 बार तो किया होगा। मैंने किया है, मिस डेरेन ने किया है, बाकी सब लोगों ने किया है। तो बार बार चेक करने में ही वक्त बर्बाद हो रहा है और हमारे पास बाकी काम भी है करने के लिए और वो जरूरी भी है। मेरे लिए ये चेक करना बहुत जरूरी है, खास तौर पर तुम्हारे साथ बैठकर। हाँ, साथ में, मेरे साथ में, ऐसा ही कहा। हाँ? तुम्हारे साथ या किसी और के साथ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अवेलेबल थी इसलिए मैंने तुम्हें पूछा। अच्छा, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है, रेड मोड के लॉन्च के बाद आप यहाँ से भाग जाओगे, मतलब सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाओगे दूर, है ना? और ये सब छोड़ दोगे? ये सब फालतू की बातें ना करो तो जरा बेहतर होगा। मुझे कोई सूटकेस भर कर नहीं रखना है।
मैं अपने साथ कोई चीजें नहीं ले जाता, मैं उस तरह का इंसान ही नहीं हूँ। मैं वहाँ पर जाकर फिर से शुरुआत करूँगा हर चीज की, इसीलिए उसकी चिंता मत करो। तुम ये बताओ, तुम प्रेजेंटेशन करोगी या नहीं? ऑफ कोर्स। आगे बढ़ा उसको। ऑफ कोर्स करूँगी। हाँ, बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ो। इसको मैंने पढ़ लिया है, और देखना आगे। हाँ हाँ, ये हो सकता है, इसको पास करो। तुम उस बुद्धू की ऑफर एक्सेप्ट करने वाली हो? हाँ, ये अच्छा है। बिजनेस ऑफर सनम, और कौन सी ऑफर हो सकती है? क्या उसने तुम्हें कोई गंदी ऑफर दी? ऑफ कोर्स मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, और क्या बात करूंगा मैं, बताओ। क्या कहना चाहते हैं आप? कौन सी ऑफर मैं एक्सेप्ट करूंगी? सॉरी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल? बस करो सनम, एक आदमी यहाँ चला था जिसे तुम जानती तक नहीं हो, तुमसे कुछ बकवास करता है और जॉब ऑफर करता है, और तुम उसे एक्सेप्ट करने के लिए कंसिडर भी कर रही हो। आपको पता है जब आप बालकन्स माउंटेन जाओगे तब मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी, और आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है अपनी केयर कैसे करते हैं, मैं अपने आप को संभाल लूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं कुछ कॉन्टैक्ट्स दे दूंगा ना। मुझे ऐसा नंबर से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे आपका नंबर भी नहीं चाहिए, आपसे तो कोई उम्मीद नहीं रही। खैर, थैंक यू सो मच। सनम, मुझसे इस तरह से बात मत करो, समझ गए ना? मैं तुम्हारा ये टोन सुनने यहाँ नहीं आया हूँ। तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती मिनिमम 14 दिनों के लिए, लीगली कहूँ तो। बस बहुत हुआ आपका, अब मैं बाहर जाकर चिल्लाऊंगी कि आपने मुझ पर हमला कर दिया और बहुत सारी गालियाँ भी दी। मैं बाहर जाकर और अगर मैंने ऐसा कर दिया ना, तो आप बालकन जाने की बजाय जेल में चले जाओगे, समझे? तुम मेरे बालकन जाने की वजह से पूरी तरह बौखला गई हो, सिर्फ मुझे पागल करने के लिए तुम कुछ स्ट्रेंज रिलेशनशिप को बढ़ा रही हो जिसका सच में तुम्हारी लाइफ से कोई मतलब भी नहीं है। मैं अभी बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, समझे? अब मेरा मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, मैंने रिजाइन कर दिया है, और मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहती जिससे मुझे दुख पहुँचे। मैं बहुत खुश हूँ। सनम, मिस्टर जान, हमें सीरियसली चेक करना चाहिए, तो चलिए करते हैं। आपने कहा था कि इसे डबल चेक करना चाहिए, तो चलिए करते हैं, डबल चेक करते हैं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी ट्रिप अच्छी हो जाए, आप ट्रिप के लिए अच्छे से जा पाए और कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए डबल चेक करते हैं। ओके, करते हैं डबल चेक। उस बटन को ज्यादा जोर से मत प्रेस करो, इम्पेशेंट लोग उसे जोर से दबाकर तोड़ देते हैं, और ये बटन सबसे ज्यादा बार टूट चुका है, तो तुम प्लीज जरा आराम से यूज करोगी, वो फिर से टूट जाएगा, तो जरा संभल कर। ओ हाँ, जैसे आपने पिछली बार तोड़ दी थी वैसे ना। ठीक है, अब बस करो, कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, उसको उस तरफ से प्रेस करो ना। तो चलो पीछे चलते हैं। मैं नहीं जा सकता, मेरे पास पीछे जाने वाला बटन नहीं है, बैक गियर। ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? मैं बैकवर्ड्स नहीं जा सकता, तुमने इसे भी तोड़ दिया, तो प्लीज। अरे नहीं, आप तो कोई दूसरा बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, क्यों है ना, ऐसे कर सकते हैं। लैला, एक सेकंड यहाँ, तुमने रिपोर्ट देखी? हाँ, ये प्राइसेस तो आज दोपहर में अपडेट किए हैं। क्या बात है, आज कोई बहुत देर तक काम कर रहा है? सुपर, मैं तो ड्रीम ही कर रही थी कि कोई आएगा और पिज्जा साथ में लेकर आएगा। उस्मान, कैसी हो जान? अच्छी हो ना? कैसे हो तुम? देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, फेवरेट वीगन पिज्जा। थैंक यू सो मच। वाओ, पिज्जा, क्या बात है। कोई बात नहीं, थैंक यू। हाय उस्मान, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? आई एम फाइन, थैंक यू। ओह थैंक्स सिस्टर। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें मीट तो नहीं है ना? गाइस, ये क्या है, भूख से इतने मरे जा रहे हो, मेरे पैरों पर पैर रखकर जा रहे हो, किसी ने पिज्जा नहीं देखा क्या? रिलैक्स, आओ ना, खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना है। चिल्लाओ मत, आ जाओ जरा, वो उसे पास कर दो, ठीक है? लो, नहीं नहीं, मैं नहीं खाता, मुझे भूख नहीं है, आई एम सॉरी उस्मान भाई, लेकिन थैंक यू। ये तो वीगन है और काफी टेस्टी है, देखो इसको। मिस्टर एमरे, आइए ना, पिज्जा लीजिए, और भी है। अरे नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कम एंड ईट। सबके सब खाने में मशगूल है, लेकिन मुझे काम करना है, काम मेरे लिए पिज्जा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काफी टाइम से मैंने लिखना जैसे नजरअंदाज ही कर दिया था, मैं उन चीजों को भूल गई थी जिन्हें मैं हमेशा से करना चाहती थी, मैं अपने सपनों को भूल गई थी, मैं उनसे दूर हो गई थी। जान ने तो अपना रास्ता चुन लिया, पर उस रास्ते पर मैं नहीं चल सकती, और अब मेरी बारी है, अब मुझे नींद से जागना होगा अपने सपनों के लिए। किसी फिलोसोफर ने कहा है कि अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप जिंदगी को बाहर से देख सकते हो, मुझे ये प्रूव करना होगा, मुझे जान को दिखाना होगा कि मैं उनके बगैर खुश रह सकती हूँ।
जी ठीक है, मैं अभी भेज देता हूँ। क्या ये इतना ही है जो रेड लैंप से मिलेगा? जी जी समझ गए। समझ गए ना? जी यस सर, यस सर। ये समझ गए? चलो ठीक है, ठीक है, यस सर, जाओ काम करो। देखो तो कितने फिंगरप्रिंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर। तुमने इसका कलर देखा? और मैं कह रही थी कि जरा संभल कर, संभल कर। ये जानते हुए भी इतने घबराए हुए क्यों हो? सॉरी, मुझे लगा कि ये फट जाएगा इसलिए मैंने जी थोड़ा। तो ऐसे करते हो ना तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैंने सोचा कि बस ये बस एक मिनट रुकी। हाँ, तुम्हें जो चाहिए वो इसमें है। थैंक यू सो मच लाला। तुम्हारे लिए कुछ भी। ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन नहीं है, फिर भी मैं एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्यों। ये बड़ी ही नॉर्मल बात है, तुम्हारी ये आखिरी एक्टिविटी है यहाँ की। आई एम सो सॉरी। ओह आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मेरा मतलब वो नहीं था बस। नहीं नहीं, ये इतना जरूरी नहीं है। ये मेरी आखिरी एक्टिविटी नहीं है, ये तो जान की आखिरी एक्टिविटी है। सनम सुनो, क्या हम एक बार फिर से चेक कर लें? ठीक है, ये रही फाइल्स, इन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। हम वहाँ बैठते हैं, मैं लेती हूँ। हाँ ये मुझे लेने दीजिए। अपने बेटों के साथ ऐसे चलना कितना अच्छा लग रहा है। एमरी, गेस्ट इसी दरवाजे से एंटर करने वाले हैं। हाँ, उसी दरवाजे से करने वाले हैं। पॉलिन आ गई। हेलो। ओ वाओ, पॉलिन तुम आ गई, कैसी हो तुम? तुम्हें मुझे देर अच्छा तो नहीं हुई ना। हाय एमरी, वेलकम। जान एमरी, हम चले? यस मॉम, चलिए। बताओ तैयारी हो गई? हाँ चलो अंदर चलते हैं। ओके। हाँ सनम, तुम इस पार्ट पर जोर देना क्योंकि यही पार्ट सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग पार्ट है इसका। उसके बाद फिर स्लोगन से शुरू करना। ठीक है। जान कहीं नहीं दिख रहे। ठीक है, ठीक है। मिस्टर एम्ब्रे आ चुके हैं, मैं ये बताने आई थी कि मिस्टर जान भी पहुँचने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, उनके आने तक कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद कंज्यूमर टेस्ट करेंगे। लेकिन हाँ, इसको ज्यादा लंबा मत खींचना क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल से लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है। वो आ गए। अच्छा, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करती हूँ जिस बारे में मैं सोच रही थी कहीं वो अब हो ना जाए। अनफॉर्चुनेटली। कहाँ पर है? नहीं नहीं, कोई रास्ता नहीं है, अब मन को पक्का कर लो। पर क्या कर रही है? अरे मैंने कहा ना, खुद को डीमोरलाइज्ड मत करो। इसको ऐसे समझो कि जान ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है, जैसे कि तुमने इनवाइट किया है मिस्टर मुजफ्फर और अयान को। ऐसे ही समझो, ये बहुत ही आसान है। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। मैं तो इस तरह से नहीं सोच सकती। हाँ मैं भी नहीं सोच सकती। मैंने भी बगैर सोचे ही बोल दिया। जाओ! अरे तुम्हें वायरल हो गया है? प्रेजेंटेशन है, मैं इस तरह से नहीं छींक सकती। ऐसा सुनने में आया है कि एपिडेमिक फैला है। नाइस नाइस। मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा था, रियल में मैं सोच रहा था कि वाह 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 वाह, जरा देखो तो सही, क्या सजा है इन लोगों ने, वाह वाह वाह। क्या कर रहे हो? हमने इसको रीडिजाइन किया है। मुझे ये बहुत पसंद आया, देखो ना कितनी रिच जिंदगी है आयहान। कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते, लेकिन आज पता चला कि हम खरीद सकते हैं। लाइट्स को देखो, कलर्स को देखो, कितनी रोशनी भरे। हाँ एग्जैक्टली, देखो उन्होंने रेड मोड के लोगों के साथ हार्मनी हो ऐसे ही कलर्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि फॉस्फोरस कलर्स। वो लोग येलो कलर भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हार्मनी बहुत अच्छी लग रही है। सब तुमको कैसे पता, तुम तो एक बुचर की बेटी हो ना। ये सच है। अरे वो जेजे ही है ना? हाँ जेजे ही। ओह ये कैंपेन तो बहुत ही शानदार है, सच में मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि रेड मोड टीम ने किया था, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। आई लव इट, आई लव। उसने लव कहा? हाँ उसने यही कहा। चलो चलो वहाँ, ये लड़की उसे रिझाने की कोशिश तो नहीं कर रही? नहीं है जेजे, ऐसा नहीं है। उस पर भरोसा करना सीखो, प्यार में भरोसा होना बहुत जरूरी है, समझी तुम? देखो अपने अंदर के बुचर को बाहर मत आने दो, शांत रहो, मैं चेक करता हूँ। तुम यहाँ पर गहरी सांसें लो और चुपचाप खड़े रहो प्लीज, ये बहुत ही अलग जगह है, प्लीज खुद को संभाल लो, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, मैं यहीं पर रहूंगी। ठीक है, हाँ। चाहे जो हो जाए यहीं पर खड़ी रहना। वैसे आपको बता दूं कि मैं भी रेड मोड के प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करता हूँ। जाइए जाइए, प्लीज जाइए, काफी ट्रस्टवर्दी। और जे जे मुजफ्फर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस अभी आया हूँ। और गर्ल्स हैविंग फन? बहुत।
वैसे आप भी इसी एजेंसी के हैं क्या? नहीं नहीं, मैं इस एजेंसी से नहीं हूँ। हमारा अपना बिजनेस है, अपना इन्वेस्टमेंट है। ये लीजिए हमारे ब्रोशर्स, हमारा ऑर्गेनिक का बिजनेस है। ऑर्गेनिक क्या कर रहे हो यहाँ पर? ऑर्गेनिक साबुन से लेकर ऑर्गेनिक तेल सब कुछ मिलेगा हमारे यहाँ। अब ये लीजिए मेरा कार्ड, कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल करना। अयहान जी, तुम बहुत बिजी थे बातों में इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तुम्हारा लव लव चल रहा था ना? अयहान, यहाँ इस तरह की सोशलाइजिंग करनी पड़ती है। आज लॉन्च है ना, प्लीज गलत मत समझना। वंडरफुल वंडरफुल, मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करूं। हाँ, 35 के बाद तो ख्याल रखना चाहिए, खासकर अपने स्किन का, बालों का। अगर आपको खूबसूरत दिखना है तो ऑर्गेनिक चीजें यूज कीजिए। अयहान, हम हमारे बारे में बात कर सकते हैं, हो सकता है कि ये हमारे प्यार का भी लॉन्च हो जाए, क्या कहती हो तुम? हो सकता है, यानी देखते हैं क्या होता है। तुम्हारी स्माइल तो सब बता रही है। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ये एक नेचुरल दुनिया है, आप लोग नेचुरली बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मेरी बात मानिए, जब आपकी नेचुरल खूबसूरती ना ऑर्गेनिक चीज के साथ और खूबसूरत हो जाएगी। ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे जलन क्यों हो रही है? खुद को संभालो गुलीस। लैला, मैंने एक डिसीजन लिया है। अब क्या है फिर से तुम्हारा? हाँ क्या है? मेरी जगह दरन ये प्रेजेंटेशन देगी तो कैसा रहेगा? और वो क्यों? वो कल मैंने जान को बहुत बुरी तरह से निगलेक्ट किया था, अभी सोच रही थी कि 2 घंटे उसके साथ ही बिता लूं, और क्या पता मैं उन्हें रोकने में कामयाब हो जाऊं। अगर दरन ये प्रेजेंटेशन देगी तो ऐसा होगा। आइडिया अच्छा है लेकिन आसान नहीं है। तुम कैसे बात करोगी उससे? कितना हेक्टिक होगा सब कुछ, वो भीड़ से घिरा हुआ होगा। हम क्या कर लेंगे बताओ मुझे, कैसे करेंगे? मुझे भी नहीं पता, मैंने वही बताया जो इस वक्त मैं सोच रही हूँ। कोई प्लान नहीं है, हो सकता है कि शायद वो रुक जाए, मैं अगर उन्हें कन्विंस कर सकी तो। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? मैं उन्हें जानती हूँ, अगर इस प्रेजेंटेशन में वो मेरे साथ रहे तो हो सकता है उन्हें मेरा परफ्यूम याद रहे। शायद तुम सही कह रही हो, जाके कोशिश कर लो। ठीक है, मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। ठीक है। परफ्यूम स्प्रे से पता चलता है, फुस फुस। लेकिन ऑर्गेनिक चीजों को आपको खुद समझना पड़ता है। ऑर्गेनिक बहुत अच्छी चीज है। ऑर्गेनिक क्या कर रहे हो? एक मिनट रुक जाओ, ऑर्गेनिक पेपर सो और समझाओ। यहाँ से जाओ, यहाँ से। ये सब क्या चल रहा है? मैंने एक कस्टमर से बात कर ली है, उनको पसंद आया है, उन्होंने कहा आई लव, वो भी जोर देकर कहा था। बट डोंट वरी, हम यहाँ पर्सनल बात कर रहे हैं, प्लीज यहाँ से चले जाओ। ऐसा करना पड़ता है। ये ऑर्गेनिक सोप है, ले जाइए इसे, बहुत काम आएगा। बिजनेस के बारे में मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम इतनी होशियार लड़की हो, ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो स्मार्ट हो। जरा चलो सर। हाँ ठीक है, जरा चलो। मैं भी आती हूँ। सब कुछ रेडी हो चुका है प्रेजेंटेशन के लिए, हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कब शुरू करें। गुड, लेकिन तुम काफी स्ट्रेस लग रही हो। नो, आई एम फाइन। तुम्हें एक बात बताऊं कोलिन, सलीम सिर्फ चांद के साथ यहाँ रहने के लिए वो प्रेजेंटेशन छोड़ सकती है। कैसे हो सकता है और क्यों? मुझे रीजन का पता नहीं है, शायद उनका कोई प्लान होगा। शायद वो सोच रही होगी कि जान को जाने से रोक सकती है। मिस मीने, मिस्टर जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यस सनम, बोलो। सनम, चेंज करने का वक्त अब हमारे पास है नहीं, पता है ना? नहीं, कुछ चेंज नहीं करना है। मुझे लगता है कि मेरी जगह मिस डेरन को ये प्रेजेंटेशन देना चाहिए। हाँ, पर क्यों? तुमने तो बहुत अच्छे से तैयार किया है। थैंक यू सो मच, लेकिन हमने मिस डेरन का दिल बहुत दुखाया है, आपको पता है ना, वो बहुत दुखी थी। मिस डेरन ने ये जॉब पाने के लिए बहुत कुछ किया है, और फिर वो उस गंदे गेम का अनजाने में हिस्सा बन गई थी हमारी वजह से, और वो प्रेजेंटेशन करने में बहुत अच्छी है, उन्हें इस कैंपेन के बारे में बहुत कुछ पता है, और वो इसमें बहुत अच्छी भी है, तो मुझे लगता है कि वो डिजर्व करती है ये प्रेजेंटेशन। डेरन, हाँ, तुम्हारा क्या कहना है? हो सकता है, मतलब अब मैं क्या बोलूं? ओके, तो तुमने सही कहा। लेकिन मिस मिनी, जहाँ तक मुझे पता है कि मिस्टर मैकिनन की ये जिद थी कि इस प्रेजेंटेशन को सनम ही करे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और उन्होंने कहा था कि प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन कनेक्ट किया जाए। मिस्टर जान, सनम का स्टेज पर होना बहुत जरूरी है,
आखिरी वक्त में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे मैकनन अपसेट हो जाए। एब्सोल्युटली। मेरे पास एक आइडिया है, दोनों साथ में प्रेजेंटेशन करो, डेरन और सनम। मुझे यकीन है ये बेस्ट होगा, इससे बेटर आइडिया हो ही नहीं सकता है ना। आई मीन इट्स अ विन-विन सिचुएशन, क्या कहना है? वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है, क्या कहती हो सनम? हाँ ये आइडिया अच्छा है। ठीक है, हमारे अपने मेंबर्स और हमारे पास अपना मेल एड्रेस भी है, लीजिए लीजिए। अच्छा, ये भी रख लीजिए। हाँ, मैं पढ़ लूँ। उस पे सब कुछ डिटेल में लिखा है, सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में। चाहिए तो कॉल करना। हाँ, कैसी है मैडम? अगर आप चाहती हैं कि आपका बॉयफ्रेंड आपको हनी बोले तो हमारा ऑर्गेनिक हनी यूज कीजिए। भाई भाई बुरा मत मानिएगा, ये बहुत अच्छी है। चलिए ऐसे निकलते हैं। वाह वाह, भलाई का जमाना ही नहीं है, मैं तो ऑर्गेनिक हनी बेच रहा था जिससे फायदा होता। मिस गुलीज, कैसी हो तुम? देखकर अच्छा लगा तुम्हें, कितनी अच्छी पार्टी है ना। मुझे यहाँ पर 6 मेंबर्स मिल गए, पता है तुम्हें मेरा बिजनेस सही चल रहा है। तुम्हें पता है आखिर मेरे मन में क्या चल रहा है? अगर ये पार्टी भी ऑर्गेनिक होती तो मुझे 600 मेंबर्स और मिल गए होते। वो क्या है ना, असल में ऑर्गेनिक की बात ही अलग है, लेकिन हर कोई ये बात समझता नहीं है ना, उन्हें समझाना पड़ता है ऑर्गेनिक के बारे में। वैसे इस पार्टी में लगभग कितना खर्चा हुआ होगा? वो और हाँ, प्रेजेंटेशन के बाद यहाँ पार्टी भी है, कॉन्सर्ट भी। पार्टी, खाना, प्रेजेंट्स, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कितना खर्चा हुआ इस पार्टी में। अगर मेरा बिजनेस कामयाब हुआ तो मैं भी ऐसी पार्टी देने के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। शायद कम से कम 1,00,000 तो आया ही है। ओ माँ, मतलब ओ वाह, सच में इतना हुआ है? इतनी बड़ी पार्टी देकर पैसा क्यों वेस्ट करना, मैं तो चैरिटी में पैसा दे दूंगा सारा, गरीब बच्चे खुश भी हो जाएंगे। इस जगह का किराया बहुत ज्यादा है, इतने सारे वेटर्स हैं, बाकी सर्विसेज हैं, उसका पैसा तो लगता है ना। ओके, आप सबका इस रेड मोड की लॉन्च में बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम एक नया सरप्राइजिंग प्रोजेक्ट यहाँ करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। परफ्यूम बनाना एक बहुत ही मुश्किल जर्नी है, और फिर आपके लिए एक प्रेजेंटेशन का डिजाइन बनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम था। सच कहूँ तो जिंदगी में होने वाली हर बात एक जर्नी है, जिसके स्टेशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। ये एक गाड़ी है, पता नहीं हमें कहाँ रोके। सो व्हाट से इस जर्नी को क्यों ना पैशन और डेडिकेशन के साथ पूरा किया जाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी इंस्पायर एवरी वुमन टू लीव देयर मार्क। चैलेंज कीजिए जिंदगी के हर एक पहलू को, और ऐसे मुकाम पर पहुंचिए। वाह, क्या बात है! अरे चुप रहो, चिल्लाओ मत, मुझे पर शांत रहो, जहाँ से आपको कोई गिरा ना पाए। लेकिन याद रखिएगा, इस जीत की खुशबू सिर्फ उन लोगों तक पहुंच पाए जो आपको डिजर्व करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए आगे बढ़ने से नहीं कतराते, जो आपके साथ रहना चाहते। तो हाँ दोस्तों, आज की शाम यही खत्म नहीं होती, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप लोग एंजॉय कीजिए। डेरन को ना हमेशा एक चीज में अपना टच डालना बहुत अच्छा लगता है। ये लास्ट लाइन भी इम्प्रॉम्प्टु हुई थी, हमने ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। क्या बात है, लाइन तो बहुत अच्छी थी। कैसा था? सनम अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था, एकदम अच्छा, एकदम परफेक्ट। सनम तुम कितनी अच्छी स्पीकर हो। हाँ सही कहा, चलो अच्छा हुआ मैंने। हाँ, स्लोगन तो सारे तुम्हीं ने लिखे हैं, क्या बात है। हाँ सही कहा। वो स्पीच काफी मीनिंगफुल थी। वेरी गुड, थैंक यू जॉन। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना।
आसा ने, मैं यहाँ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ। तुमने तो स्टेज पे कमाल कर दिया और आखिरी का इम्प्रोवाइजेशन तो लाजवाब था। थैंक यू सो मच। तो अब आपके सामने आ रहे हैं द बैंड ऑफ द नाइट सूटकेस। जान जान, मैं इस बैंड को जानती हूँ, ये तो तुम्हारे दोस्त है ना? मैं जानता हूँ इन्हें। हाँ, मुझे याद है हम इनके कॉन्सर्ट में एक बार गए थे। अच्छा, मुझे याद नहीं है। Çabuk geçti zaman, unuttum her şeyi. Başka biri vardı, şimdi bambaşka biri. Önce bir ayna söyledi bunun sebebini. Öyle günler var ki yalnızlıktan sıkıldım. Öyle günler oldu ki tanıdığım herkesi aradım. Şimdi sen varsın ya, umurumda değil dünya. İster su gibi aksın zaman, benim her şeyim tamam. Sen varsın ya, umurumda değil. Aksın zaman, benim her şeyim tamam. Oturdum düşündüm kendi kendime seni. Neredeydin daha önce? Beni çok beklettin, sendeki her şey benim olsun diye. Çok dua ettim, bunu çok istedim. Öyle günler var ki yalnızlıktan sıkıldım. Öyle günler oldu ki tanıdım herkesi aradım. Şimdi sen varsın ya, umurumda değildir ya. İster su gibi aksın zaman, benim her şeyim tamam. Sen varsın ya, umurumda değildir ya. İster su gibi aksın zaman,
जान, क्या हम लॉन्च के बाद थोड़ी बात कर सकते हैं? मिसेस ओमा, क्या हुआ? क्या हुआ? मॉम, क्या हुआ आपको? अरे मॉम, क्या हुआ आपको? अचानक से चक्कर आ रहा है और पेट में भी दर्द है। कोई पानी लेकर आओ के लिए प्लीज। एमरे, तुम मॉम को थोड़ा बाहर ले जाओ। चलो बाहर चलो, तुम मेरे साथ बाहर चलो जान। ओके चलो, ठीक है। तो मैं भी आपके साथ आती हूँ। अब ठीक तो है? क्या हुआ, तुम उनसे बात कर पाई? कभी कभी गिव अप कर देना ही अच्छी बात होती है। चाहो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। नहीं थैंक यू मिस्टर एम्ब्रे, ओस्मान हमें ले जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। खैर ये तो होना ही था। आप चाहे जितना खुश करते या फिर छोड़ देते, आपके पास सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है वक्त के आगे झुक जाना। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंदगी एक ऐसा वक्त है जहाँ प्लान बनाने के बावजूद भी कई सारी चीजें होती हैं। इसीलिए जोर मत लगाओ, ऑब्जेक्ट मत करो, उसे एक्सेप्ट करो और चल पड़ो। जब चीजें बदल जाएंगी तब हम मिलेंगे। Geç dedin, olmaz dedin, beni boş ver dedin ya. मॉम की तबीयत अब ठीक है, ये लो पियो। चलो अच्छी बात है, मॉम का हॉस्पिटल न जाकर सीधा घर आना तुम्हें नॉर्मल लगता है? हाँ, लॉन्च में थोड़ी थकान हो गई इसलिए मैं उन्हें सीधा घर ले आया। पर लॉन्च अच्छा था? अच्छा नहीं भाई, बहुत ही अच्छा था, सबको बहुत पसंद आया, मजा आ गया मुझे। सनम और डेरन ने आज कमाल ही कर दिया। हाँ, उनकी स्पीच बहुत ही अमेजिंग थी, स्पेशली जो उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, दैट वाज अमेजिंग। हाँ, उसने बहुत कुछ अपने मन से उस स्पीच में ऐड किया, काफी रिलेटेबल और डीप मैसेज था। इट वाज गुड। लाइफ ऐसी है। हाँ, सनम ने जैसे कहा कि चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लो, नसीब में जो लिखा होता है आखिर वही होता है। एग्जैक्टली। पहले आप रूल्स और ड्रीम्स फॉलो करते हैं और फिर पता चलता है कि जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, अच्छी चीज है। अगर सब कुछ सेम रहा तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। क्यों? अच्छी बात यह है कि ये चेंज आपके सामने सवाल खड़े कर देते हैं। आप अपने डर से झगड़ते हैं और फिर खुद से ही सवाल करने लगते हैं और आप स्ट्रांग बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। गुड मॉर्निंग, ठीक है? हे ओलिवर। गुड मॉर्निंग, एक मिनट मिस्टर जान, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इस नाम से बुलाएं। तो तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें कैसे एड्रेस करूं? सिर्फ इतना कह सकते हैं कि गुड मॉर्निंग या फिर मिस सनम, क्योंकि मैं आपको मिस्टर जान बुलाती हूं। गुड मॉर्निंग। आ गया सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग, ये बहुत जल्दी आ गए। मुझे बहुत सारा काम है, मैं चाहता हूं कि ऑफिस का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। मैं आपके नीचे के फ्लोर पे हूँ, हमारी मुलाकात तो होती रहेगी। कितनी खुशी की बात है। हाँ, ज्यादा दिनों के लिए नहीं, क्योंकि मिस्टर जान बिजनेस के लिए बालकांस जा रहे हैं। क्या कह रही हो? हाँ,
वहाँ पर उन्हें एक बहुत स्मार्ट ऑफर मिली है जो इनके लिए बहुत अहम। हाँ हाँ हाँ, पर सनम हमारे बीच अग्रीमेंट हुआ था कि मेरे जाने के बाद तुम यहीं पर काम करोगी। नहीं लगता है आपको गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैंने तो ईद का जॉब ऑफर एक्सेप्ट किया है। मुझे मंजूर है। क्या कहा? आई एक्सेप्टेड इट। पोलन, तुम यहाँ क्या कर रही हो सुबह सुबह? मुझे तुम्हारे बारे में कल ही पता चला कि तुम यहाँ पर हो। गुड मॉर्निंग टू यू सिस्टर। सिस्टर?